ना 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 पापा जी वो है? कड़ी आ गई। अरे मालिक आधी रात को उठ के नहा रहे हैं। ओ कड़ी आ गई आ गई आ गई आधे 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 आधे। साहब आप अभी से तैयार हो गए? ओ बद्री तू भी टू मच गल्ला करता है यार। अपना पुत्र इतने सालों बाद अमेरिका से घर वापस आ रहा है तो एयरपोर्ट नहीं जाना क्या? तू क्या चाहता कि प्लेन कार की लैंड पर लैंड कर जाए? क्यों स्लीव? लेकिन साहब जहाज तो कल सुबह ही आएगा। सुबह तो हो गई ना भाई, क्यों स्लीम है यार? आप अपनी घड़ी में देखिए क्या बजा है। घड़ी में क्या बजा? ओ यार एक घड़ी तो रुक गई है, घड़ी तो चल ही नहीं रही है मेरी यार। घड़ी घड़ी ठीक ही चल रही है, आप तेज भाग रहे हैं। ओए बद्री इतने सालों बाद मेरा पुत्र अमेरिका से वापस आ रहा है, मुझको तो लग रहा है वक्त जो है वो थम गया है। क्यों स्लीम? इसे क्या हो गया यार? सो रहा है स्लीम, सो रहा है। ओ स्लीम, ओ स्लीम चलिए। कहाँ चले? तू ये आंखें खोल के खराटे काय को पर रहा है भाई? ओ सर जी अपनी आंखें ही टैप की हैं, एक बार बंद हो जाती है तो खुलती नहीं है, खुलती है तो फिर बंद नहीं होती है। एयरपोर्ट में खुली हुई चाहिए इसलिए आंखें खोल के सो रहा हूँ मछली की तरह। जैसे ही आप कहेंगे चलो रोड पे तैर तो वह निकल जाऊंगा। ओ नमस्ते अंकल जी महाराज। ओ जर्मन तू भी इधर आ गया? महाराज बेस्ट फ्रेंड आ रहा है तो एयरपोर्ट तो आना ही था ना। एक बात बता तेरा नाम जर्मन कैसे पड़ गया है? महाराज कितनी बार तो बता चुका हूँ, एक बार जब मैं बचपन में छोटा सा था ना तो मेरे पिताजी शिमला से जर्मनी गए थे, वहाँ से मेरे लिए कुछ लेके नहीं आए थे, बस उस कंट्री का नाम लेकर आए थे। कहने लगे बेटा आज से तेरा नाम नथु नहीं जर्मन है। अच्छा हुआ तेरे पिताजी पोरबंदर नहीं गए, नहीं तो तेरा नाम बंदर पड़ जाता। अबे जर्मन ये बता के कब देगा? मैं मर जाऊंगा तब देगा तू? महाराज ये क्या मांग रहा है तुझसे भाई? मालिक इसने मेरे महाराज कुछ हा? नहीं कुछ नहीं मांग रहा, क्या मांग रहा है तू? और तू ये बता तू अपने दोस्त को पहचानेगा कि नहीं है? महाराज कैसी बातें कर रहे हो, उसके बचपन का फोटो है मेरे पास। ओए आ गया मेरा गुड मैन दी लालटेन। ओए आपके ड्राइवर सलीम की तरफ से आपका वेलकम है। थैंक यू सलीम। महाराज मेरी तरफ से भी सेम टू सेम है। ये कौन है? हूजी महाराज मेरे को नहीं पहचाना, मैं जर्मन आपके बचपन का दोस्त। जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। लेकिन छोड़े मालिक ये तो कई सालों से आपकी दोस्ती के किस्से सुना सुना के हमें बोर कर रही है। बोर कर रही है? क्यों बे? पर सॉरी गलती होगी, आगे से आपको दोस्त नहीं कहूंगा मैं। ओए जर्मन का जर्मन। अरे ये मेरे बचपन का दोस्त है, इसे कैसे भूल सकता हूँ मैं? पुत्र जी ये हमारे कुटुंब के पुरोहित जी हैं, आशीर्वाद लो। आयुष्मान कीर्तिमान भाव, बड़ी शुभ घड़ी में घर में पधारे आप। बद्री काका छोटे मालिक, माँ के गुजर जाने के बाद आप ही ने तो मुझे पाला है। छोटे मालिक आओ आओ अंदर आओ। स्टार्ट कर लिया, पर ये तो बता के मुझे देना कब स्टार्ट करे हो? महाराज उसी का इंतजाम करने जा रहा हूँ मैं। अबे ये तो बता दे कि कब देगा, मैं मर जाऊंगा तब देगा। लगता कि इसने मेरे से सिंगल ब्याज पे पैसे उधार लेकर किसी और को डबल ब्याज पे चढ़ा रखे। ओ नमस्ते सनी गोयल जी महाराज। आगे आगे जर्मन। आजा 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 महाराज, प्यार से बुलाने के लिए हाथ पकड़ के थैंक यू वेरी मच। अरे कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, आजा बैठ जा। महाराज बैठने के लिए तो मेरे घर में भी सोफा सेट है बाबा। महाराज गले बाद में लगना, पहले मेरा कर्जा वापस कर दो। दे दूंगा ना बाबा जल्दी, कैसे सबर करो ना बाबा। महाराज सबर करते करते लगता है एक दिन मैं तो कब्र तक पहुँच जाऊंगा। ठीक है तुम पहुंच जाओ बाबा, मैं वहां पहुंचा दूंगा ना बाबा। महाराज मजाक मत करो, देखो जो पैसे मैंने आपको दिए हैं ना वो मेरे नहीं है, मैंने सलीम से उधार लेके आपको दिए हैं। फोकट में थोड़ी ना दिया आपने बाबा, सलीम से 2% इंटरेस्ट पे लेके मुझे 5% इंटरेस्ट पे दिया है ना बाबा। उसी लेकिन मेरे इंटरेस्ट से आपको क्या इंटरेस्ट, आप तो मेरे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस कर दो बस। अच्छा ठीक है, कितने देने हैं बाबा?
महाराज असल में 1,00,000 इंटरेस्ट के 50,000 कुल मिला के हो गए 1,50,000 हो गए ना बाबा है ना अच्छा वो डॉक्यूमेंट्स लाए जो हमने साइन किए थे बाबा महाराज डॉक्यूमेंट साइन नहीं किए थे आपने कहा था जर्मन तेरी जबान काफी है तो बाबा उन लोगों को लिया जिनके सामने आपने पैसे दिए थे बाबा महाराज पर उस वक्त तो मेरे और आपके अलावा वहाँ कुत्ता तक नहीं था कुत्ता तक नहीं था कौन है तू महाराज किससे बात कर रहे हो अबे तुझसे बात कर रहा हूँ कौन है तू देखो मेरा कर्जा वापस कर दो नहीं अबे कर्जा मांग रहा साले जानता है तू किससे बात कर पुलिस को बुलाता हूँ छोटी सी बात के लिए पुलिस किस लिए है अरे मेरे पैसे आपके पास रहे या बैंक में रहे बात तो एक ही है ना तो अब पता चला ना कि कर्जा कैसे मांगा जाता है बाबा हाँ महाराज इज्जत से आहिस्ता से सबके सामने नहीं कान में बाबा ओ विजय पुत्र ओ इंडिया वेलकम्स यू थैंक्स थैंक्स अनीता कैसी हाउ शी ओ शी तो खड़ी है हाथ में लेके गुलाब पर तू उसको पहुंचाना देना पंजाब ओ आले गल कर विजय हेलो हाय विजय व्हाट अ लवली सरप्राइज मैं तो हमेशा सरप्राइज में ही बिलीव करता हूं अनीता और सुनाओ कैसी हो बिल्कुल ठीक हूं और अब जब तुम आ गए हो तो और भी ठीक हो जाऊंगी ओके ओके सी यू सून ओके श्योर सी यू बाय बाय व्हाट एन इंटरेस्टिंग गाय ओए गाय तो ठीक है लेकिन इस कोड़े की बात कान खोल कर सुन ये जो तेरा मामा है ना खराती लाल विश्वनाथ की फैक्ट्री में खरात के लिए नहीं तेरी भारत के लिए काम कर रहा है मौका मिलते ही मुझे इस दूर की रिश्तेदारी को नजदीक की रिश्तेदारी में बदलना है तुझे उस कार की बहू बनाना है मुझे सो डैड व्हाट एल्स इज हैपनिंग हाउस लाइफ बिजनेस हेल्थ ओए पुत्र बिजनेस तो एकदम टॉपम टॉप चल रहा है पर तब ये थोड़ी गड़बड़ चल रही है क्यों डैड प्रॉब्लम क्या कि सारे झंझट मेरे कल्ले के सर पर आ गए हैं ना इसलिए बीपी थोड़ा बढ़ गया है और ये यार मैं काजू नहीं खा सकता तेरे को पता है फिर शुगर का भी प्रॉब्लम है और यार मैं विस्की नहीं पी सकता परे रख यार लेकिन क्यों डैड और तुम्हें बताया ना मेरा ब्लड प्रेशर मेरा शुगर डॉक्टर ने मना किया यार डैड दैट्स बैड ओए पुत्र नॉट सो बैड यू नो व्हाई पहले आते 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 अब तू आ गया है मैंने फैसला कर लिया है कि बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां तेरे सर पर सौंप कर मैं आराम से आराम करूंगा ऐसे दैट्स नॉट पॉसिबल आप क्या चाहते कि मैं यहां सेटल हो जाऊं और अमेरिका लौट कर नहीं जाऊं 1 to 10 or 10 to 100 crore कर दूं डैड यू आर ट्राइंग टू कॉन मी चालाकी भरी हुई आपकी पेट में चालाकी और तूने चालाकी का और नहीं तो क्या 2400 hours काम करके आपको क्या मिला है पापा ब्लड प्रेशर शुगर एक पैग विस्की नहीं पी सकते एक टुकड़ा मिठाई का नहीं खा सकते जो दादाजी ने कमाया उसे आपने दुगना चौगुना कर दिया अब आप ये चाहते हैं कि जो आपने कमाया उसे मैं दुगना चौगुना कर दूं व्हाई डैड व्हाई पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कमाते जाएंगे तो खाएगा कौन और पिएगा कौन नो डैड नो जो गलती आपने की है वो मैं नहीं करूंगा जब जी चाहे मजे करूंगा जब जी चाहे काम करूंगा तो रिजल्ट ये हुआ कि तुझे अपनी जिम्मेदारी महसूस ही नहीं होती है नो जिम्मेदारी नो बिजनेस ओनली हैप्पीनेस दैट्स इट कुछ नहीं और बद्री ये चैनल चेंज करते वक्त जो कुछ बोला तेरी समझ में आया नहीं आया साहब मेरी समझ में भी नहीं आया अरे पर इसमें समझने को है ही क्या यही ना कि घर के सारे लोग मजे करते रहे और अकेली मैं नौकरी करती रहूं मरती रहूं खपती रहूं ओहो माया जब देखो चपड़ चपड़ करती रहती है चुप बैठ चुप तुम बैठो कितने जोर जुगाड़ करके तुम्हारी शादी करवाई थी और 3 ही महीने में तुम्हारे पति देव ने वापस यहाँ ला के पटक दिया क्यों भाई तुम्हारे दिल के ऑपरेशन का खर्चा मैं क्यों करूं तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ दे या फांसी पे लटका दे मुझे क्या लेना देना मैं तो अपनी शादी रचाऊंगी यार हाँ हाँ बोल मैं अपनी शादी रचाऊंगी और चली जाऊंगी अपने हनीमून पे बाहर में जाओ तुम सब लोग यही कहना चाहती है ना तू सॉरी दीदी मैं इतनी सेल्फिश इतनी मतलब ही दिखाई देती हूँ तुझे क्यों माँ क्या ये रोज इसी तरह मेरी नकल करती रहती है बिल्कुल तुम घर से निकली नहीं कि इसका मिमिक्री आइटम शुरू हो जाता है सॉरी दीदी गलती माफ गलती गलती कुछ नहीं नकलची बंदर बंदर नहीं बंदरिया हाँ नकलची बंदरिया गलती की है तो उसकी सजा भी मिलेगी सजा क्या होनी चाहिए हाँ घर के सारे कपड़े आज तू धोएगी दीदी नो दीदी कम ऑन जल्दी जल्दी
मायके में बैठे बैठे कॉमेडी करती रहोगी या ससुराल आने का भी प्रोग्राम है? अरे जीजा जी, जी जीजा जी, ही करके जिस बेचारे के पीठ में छुरा फूंक दिया आप लोगों ने, वही जीजा जी। दिल में छेद है बताए मगर लड़की मेरे गले बांधती, सुहाग रात तक का चांस नहीं मिला, फूल दिखाया पत्ती हाथ में पकड़ा दी। पूछने पर कहते हैं हमें इसकी बीमारी के बारे में पहले कुछ पता ही नहीं था, मगर मेरी माँ को यह जवाब पसंद नहीं है, इसलिए वो कहती है कि इसे तलाक दो और दूसरी शादी की तैयारी करो। नहीं जीजा जी, हम मंजू दीदी का इलाज जरूर करवाएंगे, बस हमें 2-3 महीने का वक्त दे दीजिए। डायलॉग रहने दो, हर बार यही सीन चलता है, लेकिन आज के इस सीन का ये आखिरी डायलॉग होगा कि लड़की के दिल का होल बंद करवा के भेज दो तो हैप्पी एंडिंग, वरना फुल डिवोर्स। सी यू, टाटा, थैंक यू। सुनिए तो, ले बैग पकड़ और हाथ पकड़। तू मत चाहे तू यार, वो जो डेलीगेशन आया था ना कनाडा से, उसने अपने केबल की क्वालिटी देखकर कहा कि आइंदा उनके देश में जितना केबल लगेगा हमारी फैक्ट्री से मंगाएंगे, और तुमने कोटेशन पर के भेज दिया था। कौन सा कोटेशन? कनाडा वालों का कोटेशन। तुझसे कहा था कि नहीं कहा था? मुझसे कब कहा था? ओहो, पाई पेपर साइन करके दिए थे मैंने। भाई साहब लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। मैं भूल गया तो तेरे को तनखा पगड़ी पहनने की देता हूँ। ला मेरा बैग, खोते पड़े पड़े मेरे ऑफिस में। भाई साहब देते हैं गाली पे गाली, लगता है जाना पड़ेगा मुझे कुल्लू मनाली। ओ ब्लडी फूल, डैम फूल पड़े हैं ऑफिस में, ये तो टू मच हो गया यार। क्या हुआ सर? ओ कनाडा से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर आया था और ये बेवकूफ खराती लाल कोटेशन भेजना भूल गया। अब वो तो मैंने भेज दिया सर। ओए तूने भेज दिया था? हाँ सर, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपनी मेज पे रखा था, मैंने देख लिया, भेज दिया। बहुत अच्छा किया तूने पुत्र, नुकसान से बचा लिया, मेरा तो दिमाग ही ठप हो गया, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। कूल सर, गुस्से से बीपी बढ़ता है। ओ मेरे को कहां गुस्सा आता है पुत्र। शकर नहीं, ये लीजिए आपकी गोलियां। मैं लोगों से कहता फिरता था कि मेरा पुत्र अमेरिका से आएगा, काम में मेरा हाथ बटाएगा, फिर मैं आराम करूंगा, मगर इसको कुछ पड़ी नहीं है। ठीक है ना सर, आजकल के बच्चों को थोड़ा सा वक्त लग जाता है सब जिम्मेदारियां संभालने के लिए। कहता है लाइफ एंजॉय करेगा और दुनिया फास्ट भाग रही है, भी उनके साथ भागेगा फास्ट। गुड मॉर्निंग अंकल। हाय अंकल। तुम्हारे भी अंकल है क्या? हाँ मेरे अंकल, नहीं ये तो मेरे डैड हैं। बद्री, इसके गालों पे जो लाल लाल चीज लगी है लिपस्टिक है ना? साहब जी, छोटे सरकार ने तो पार्टी में कमाल ही कर दिया। मामला गड़बड़ है, लगता है कुछ करना पड़ेगा। बाय अंकल। ठीक है, ये कन्या को देखिए, हा हा हा, सुबह के टाइम ये मनीषा कोइराला दिखती है। नाम है तारा, गांव है सतारा। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। जय जय। रिजेक्टेड। नेक्स्ट पंडित जी, ये देखिए, दिन में माधुरी दीक्षित दिखती है, एरंडी तेल के राजा की बेटी है। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। रिजेक्टेड। नेक्स्ट, ये देखिए, ये रात में जूही चावला लगती है, इकलौते बाप की करोड़पति बेटी है। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। जय। रिजेक्टेड। नेक्स्ट, क्यों पॉप्सी, कंपनी एड के लिए मॉडल देख रहे हो क्या? मॉडल नहीं, लड़की देख रहा हूँ शादी के लिए यार। इस उम्र में शादी करेंगे आप? ओए अपनी शादी के लिए नहीं, तेरी शादी के लिए लड़की देख रहा हूँ। आते आते और मेरी शादी के लिए लड़की आप क्यों देख रहे हैं? ओ ये भी करेक्ट है पंडित जी, आप हाथ दो, इनको एल्बम दिखाओ जी। इनको दिखाता हूँ, आप देख लीजिए, ये रात के अंधेरे में उर्मिला माटुंकर दिखती है। बोलो श्री सत्यनारायण देव। प्लीज पैक योर बैग्स एंड लीव। मेरा नाम पंडित राम प्रसाद है। गेट आउट। इशारे से लगता है आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। आई एम सॉरी डैड, मुझे शादी नहीं करनी। मतलब बिल्कुल नहीं करनी, अभी नहीं करनी भाई? मतलब जब तक मुझे अपनी पसंद की लड़की नहीं मिलती तब तक नहीं करनी। मगर पुत्र जी महाराज, आपको अपनी पसंद की लड़की मिलेगी कब? ये मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? She has to suit my temperament, my nature. I have to like her, she has to like me. हम एक दूसरे को समझे, जाने, फिर प्यार, फिर शादी। इसके लिए दिन भी लग सकते हैं, साल या 10 साल। How can I say that? ये क्या कर रहे हैं साहब? ये मत खाइए, ये मत खाइए। डॉक्टर ने मना किया है आपको, मत खाइए। आपको सूखा खाइए। डैड, ये क्या कर रहे हैं आप?
Have you gone mad? Have you gone berserk? Yes, I have gone mad. I have gone berserk. Putar, tu chahta tha ki main life enjoy karu, to main life enjoy kar raha hu. Aapko diabetes hai, aapko sugar ki bimari hai. Mujhe sugar hai, diabetes hai, mujhe pata hai ki mithai khane se mar sakta hu, to mar jaane de mujhe bhai. Tere janam se teri maa chal basi, lekin maine teri wajah se dusri shaadi nahi ki. Ikloti aulaad ko aankh se ojal nahi kar sakta tha, lekin teri zid par maine tujhe America padhne bhej diya. Tu itni sari degree hasil karke bhi kaam par office mein nahi aaya, lekin maine kaha koi baat nahi. तू क्लब में नाचा, तूने दारू पी, इतनी देर रात को घर पर आया, मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं 50 के ऊपर हो गया हूं और जो तेरे रंग ढंग है ना, मुझे नहीं लगता मैं अपने पोतों के साथ खेल सकूंगा, तो फिर किसके लिए जीऊं भाई? कहने दो मुझे मिठाई और खाने दो मुझे। डैड प्लीज डैड, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो डैड, मैं शादी करूंगा डैड। आप जिस लड़की के साथ कहेंगे मैं उस लड़की के साथ शादी करने को तैयार हूं। फैंटास्टिक, दे। लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? मैं पहले एक साल के लिए शादी करके देखूंगा। एक साल? क्या मतलब? अगर उस एक साल में उस लड़की के साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी बिताने की इच्छा जागे और उसे भी मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का मन हो तो ठीक है, और हम दोनों में से किसी एक को भी ऐसी फीलिंग पैदा ना हो तो तलाक। वी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। और तू बाबला हो गया, तेरा दिमाग चल गया है? ऐसी कौन सी लड़की होगी जो एक साल तक बीवी बनने के लिए तुझे शादी के लिए हाँ कर देगी? हाँ, हाँ करेगी तो शादी करूंगा, वरना नहीं। ओए बद्री, देखा तूने? इसको शादी करनी नहीं है, इसलिए उल्टी सीधी शर्तें रख रहा है। दरअसल इसको अपने बाप की इज्जत की जरा भी कदर नहीं है। क्यों नहीं है साहब, कदर है। खाक कदर है। अगर एक साल शादी के बाद इसने लड़की को छोड़ दिया तो वो तो सड़क पर आ जाएगी ना, उसकी तो जिंदगी हो जाएगी ना तबाह। ऐसा कुछ नहीं होगा साहब, कुछ नहीं होगा। आप भी तो पहले शादी नहीं करूंगा नहीं करूंगा ये बोलते थे ना, लेकिन शादी के बाद छोटे मालिक के पैदा होते ही खुशी से नाचते फिरते थे। साहब आप बस इतना करो कि एक अच्छी सी लड़की देखो, बाकी का सब वो लड़की खुद ब खुद देख लेगी। हाँ लेकिन भाई साहब जी, भाई साहब जी, पहले मेरी मेघा की शादी होगी, बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी नहीं कर सकती ना। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। वो क्या है ना बहन जी, हम ठहरे नए ख्यालात के लोग, दहेज की बात पक्की कर लेते ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्यों भाई? हाँ भाई, हमारे आलोक ने एमए पास किया है, कई लड़की वाले चक्कर काट रहे हैं, एक पार्टी तो 3 लाख तक देने को तैयार। अरे कैसी बात करती हो, प्यार के आगे पैसा क्या चीज है? नहीं बहन जी नहीं, हम ठहरे नए ख्यालात के लोग, आप सिर्फ 2 लाख दे दीजिए। 2 लाख? आप बस एक 2-3 महीने का वक्त दे दीजिए, हम इंतजाम कर लेंगे। ठीक है, तो फिर बात भी तभी पक्की कर लेंगे, क्यों भाई? उठो भाई। महीने के महीने किराया चुकाना भारी पड़ रहा है, तूने 2 लाख की बात कैसे मान ली? वो छोड़, पहले छोटी का ब्याह करेंगे तो तेरे ब्याह में अड़चन नहीं आएगी। हाँ मुझ में कोई दोष होगा यही सोचकर कोई मुझसे शादी करने नहीं आएगा, यही ना? आएगा क्यों नहीं, और तुझमें कितनी दोस्त क्यों ना भरे पड़े हो, तेरी आंख में मोतिया हो, बाल सफेद हो, पांव टूटा हो, हाथ टुंडा हो, लेकिन फिर भी तेरा ये सेवक यशवंत कुमार ना 24 आवर्स तेरी सर्विस में तैयार खड़ा मिलेगा। माँ कितनी बार कहा है कि दोनों घरों के बीच दीवार उठवा दो। अरे दीवार उठवाने से कुछ नहीं होना मैं करोनी, क्योंकि दुनिया की ऊंची से ऊंची दीवार को ना तोड़ के मैं तेरे पास पहुंच जाऊंगा। उसका रीजन ये है कि जब तू इतनी सी थी और मैं इतना सा था, तब तेरे स्वर्गवासी फादर ने मेरे स्वर्गवासी फादर के साथ तेरी मेरी शादी की बात चलाई थी। मगर यशवंत मेघा को तू पसंद नहीं है। अरे मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, 7 times बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका हूँ। अगर मेघा रानी का कोई हाथ मांगने आया ना तो सबसे पहले उसे मेरा मुकाबला करना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो, ये मेरा साइज देखो, ये मेरी बॉडी देखो, ये मेरी वी शेप बॉडी देखो, ये मेरा राइट डोला देखो, ये मेरा लेफ्ट डोला देखो। मौसी जी, मेरी साइज की बॉडी वाला दिमाग आपको नहीं मिलना। बॉडी का साइज तो ठीक है, लेकिन कभी अपने खोपड़ी के अंदर का साइज देखा है? के मतलब? मतलब कुछ नहीं, फूटी मेरी किस्मत। जर मनोय। ओ महाराज, ये तो सुबह सुबह कर्जा लेने आ टपका। ऐसा करता हूँ, दरवाजा बंद कर देता हूँ, चिटकनी लगा देता हूँ। जर्मन, ओ जर्मन। ओ जी भैया घर पे नहीं है, वो सुबह सुबह रामलीला मैदान में गुल्ली डंडा का मैच खेलने गए हैं इंटरनेशनल लेवल पर। अच्छा
ठीक है, मैं अभी तो लौट के जा रहा हूँ, लेकिन जर्मन से कहना कि कल फिर वापस आऊंगा। बाय बाय। ओजी, पैरों की आवाज से तो लगता है कि चला गया है। जर्मन जी, जर्मन जी। ओजी कौन है जी? मेरा नाम मोना लिप्पे है, मैं यहाँ गली के नुक्कड़ पे रहती हूँ। आपको हर रोज स्कूटर पे आते जाते देखती हूँ। बड़ी तमन्ना है कि आपकी पिछली सीट पर बैठकर आपको पीछे से टाइट लिपटूं। ओजी मोना लिप्टे जी, उसमें क्या प्रॉब्लम है जी? मैं आ रहा हूँ जी। ओ मोना लिप्टे जी, किधर हो आप? पकड़ लिया, पकड़ लिया। ओ महाराज, आप तो वापस चले गए थे। जैसी क्या था वैसी लौट के आ गया हूँ। लौट, मेरा कर्जा निकाल तू। महाराज, अच्छा कॉलर तो छोड़ो। मैं छोड़ दिया। एक बात बताओ, आपने मेरे को कितने पैसे दिए थे? असल के 1,00,000 सूद के 20,000 टोटल मिला के हो गए 1,20,000। महाराज, वो डॉक्यूमेंट लाए हो जो हमने साइन किए थे? डॉक्यूमेंट तो कोई नहीं साइन किए थे। महाराज, उन गवाहों को तो ले आओ जिनके सामने पैसे दिए थे। गवाह तो एक भी था रूम में। ओ हो 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 हो। महाराज कौन हो आप? किससे बात कर रहा है तू? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कौन हो आप? मैं आपको जानता नहीं हूँ। ओहो, समझ गया, तू मेरा उधार। उधार? फिर उधार की बात की? निकल जा यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलवा के अंदर करवा दूंगा तेरे को मैं। जर्मन, आहिस्ता बात कर यार, मार्केट प्लेस है, मेरी भी कोई इज्जत है। महाराज, आपकी इज्जत से मुझे क्या लेना देना? कौन तो छोड़ यार, तू तो खामखा नाराज हो रहा है। जर्मन, मेरा पैसा तेरे पास हो या मेरे बैंक में, बात तो एक ही है। हाँ, अब समझ में आया ना, कर्जा कैसे मांगना चाहिए? धीरे से, इज्जत से, कान में मांगना चाहिए। ठीक है, आगे दे, ऐसी मांगूं। भाई खराती लाल, ये तूने बहुत 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 अच्छा किया कि मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया। अब मैं भी तेरे को बिना किसी लाग लपट के जवाब दे सकता हूँ कि अनीता के साथ अपने बेटे की शादी की बात मैं सोच भी नहीं सकता। भाई साहब, मत छेड़ो ऐसी ताल की जाना पड़े नैनीताल। अनीता के माँ बाप के मरने के बाद अनीता और उसके मामे का सहारा सिर्फ आप है, और वो बेचारी अनीता बचपन से यही सपना देख रही थी कि उसका पति विजयी होगा। ओ भैया, ऐसा थोड़ा ही ना होता है खराती लाल कि जो सोच लिया वो हो भी जाए। भाई मैं जानता हूँ मेरे लड़के के नेचर को कौन सी लड़की सूट करती है, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने उस लड़की को चुन भी लिया है। तुम एक काम करो, अनीता के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो, और पैसे वैसे की फिक्र मत करो। मैं खुद उसे अपनी बेटी समझकर उसका ब्याह कर देता हूँ। ओके, नाउ यू कैन गेट आउट। ओ गेट आउट भाई। मेगा, मे आई कम इन सर? कम इन भाई, प्लीज सिट डाउन। Thank you. What is all this? Sir, मैं सैलरी स्टेटमेंट बना के लाई हूँ, अगर आप एक बार देख लें तो। अब उसकी जरूरत नहीं है, और कल से तुम्हें काम पे आने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? You are dismissed from the job. तुम्हारी नौकरी गई। क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरी नौकरी क्यों जा रही है? वो इसलिए जा रही है कि मेरी होने वाली बहू मेरे ऑफिस में नौकरी कैसे करेगी? हैं? ये तो मैंने कुछ टू मच ही कर दिया, तुमसे तो पूछा ही नहीं। चलो अब पूछ लेते हैं भाई, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? हाँ? हाँ? ओए ओए, कमाल हो गया, हाथे 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 पुत्र। ओहो, आई एम सो हैप्पी, जैसे शारजा में इंडिया पाकिस्तान से क्रिकेट में जीत गया हो। ओए तू पुत्र, जाकर मैरोली में मेरे फार्म पर जा। But sir, I have to... पार्टी वाटर सर्वर कुछ नहीं, वहाँ विजय पहले बैठा है, उससे जाकर मिल, दिल खोल कर बातें कर, मुझे रिजल्ट पहले ही पता है। ओए मुहूर्त निकलवाता हूँ, फैंटास्टिक काम हो गया जी। पुत्र, ओए तू फाइल पर मार गोली, कमाल हो गया यार। हाय, आई मेघा। तो तुम मेरे डैडी की पर्सनल सेक्रेटरी हो, राइट? जी। यानी मेरे होने वाली पत्नी, राइट? गुड। कम राइट इनसाइड। तो तुम उस एग्रीमेंट के लिए तैयार हो? एग्रीमेंट? हाँ, हमारी शादी का एग्रीमेंट। शादी का एग्रीमेंट? या उसी एग्रीमेंट के मुताबिक तो हमारी शादी होगी। हम दोनों 1 साल के लिए शादी करेंगे,
अगर उसे एक साल में हम दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आ जाए और सारी जिंदगी साथ गुजारने की फीलिंग्स पैदा हो जाए तो ठीक है, वरना हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो आप मुझे एक साल के लिए अपनी रखेल बनाना चाहते हैं? रखेल? What is रखेल? सॉरी सॉरी, आप तो अमेरिका में पले बड़े हैं ना? अंग्रेजी में रखेल को कीप कहते हैं। So Don't get me wrong, मैं बकायदा तुम्हें मंगलसूत्र पहना के वाइफ बनाऊंगा, और मैं इतना तो जानता हूँ कि मंगलसूत्र पहनने वाली औरत कीप नहीं वाइफ कहलाती है। अच्छा, तो ये सोचकर आप मंगलसूत्र पहनाने की चाल चल रहे हैं, लेकिन सर ये अमेरिका नहीं है जहाँ डॉलर फेंकने से कोई भी औरत आपके साथ सो जाती है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पैसों से बात नहीं बनती। Hey, listen, listen. मैं कोई तुम्हारे बगल में सोने का प्लान नहीं बना रहा। मैं कोई आपके दरवाजे पे एग्रीमेंट मंजूर तो बोलो वरना फिर एक साल के लिए पांव पहुंचते और फिर फेंक दिया। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की रखती हूँ क्या कि जब चाह बेडरूम में बुला दिया, जब चाह अंधेरे में खड़ा कर दिया? बहुत आत्मसम्मान है मुझमें। रिलैक्स रिलैक्स, व्हाई यू गेटिंग सो एक्साइटेड? जब मुश्किल आन पड़ती है, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूं। वो तुम्हारे डैड हैं, जान पर आ बने तो मंगलसूत्र तक गिरवी रख देते हैं, लेकिन अपना आत्मसम्मान, अपनी इज्जत बेचने जितनी तरक्की अब तक इस देश की औरतों ने नहीं की है, समझे आप? शिट, चलिए मुझे लगा कि आपने मुझ में कोई गुण देखा होगा, इसलिए आप मुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अब समझी कि आपने मेरी सीरत का नहीं सूरत का मोल लगाया था। मेघा, वो बात नहीं है। बच्चा अगर चांद की जिद करे तो बाप उसे थाली में चांद दिखाकर उसे बहला लेता है, लेकिन ऑफिस में काम करने वाली लड़की जब पसंद आने लगे उसे अपने बेटे के पास भेज देने वाला बाप मैंने पहली बार देखा है। मेघा, मेरी बात तो सुनो। मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए। आपने ये तो बताया नहीं कि आपके बेटे को कैसे रिझाना होगा, उसकी चरणों की सेवा करके या उसे बेडरूम में कंपनी दे। बेटे, तुम जो कह रही हो ठीक है, लेकिन मंगलसूत्र को 15 सेंटीमीटर धागा और 1 ग्राम हल्दी समझता है मेरा बेटा। उस मूर्ख को इसकी पवित्रता का अंदाजा ही नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि उसको सुधारने की काबिलियत भी सिर्फ तुम में ही है। इसी विश्वास पर मैंने तुम दोनों के ब्याह की बात सोची थी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे शील और तुम्हारे गुणों को देखने के बाद वो 1 साल नहीं 1000 साल तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारेगा, मुझे यकीन है। उसी भरोसे पर मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कही। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मेरे भरोसे बहुत सी जिंदगी है ऐसा, बस उन्हीं को सुधार लू बहुत है। मेघा, मुझे मर जाने दो। लेकिन हुआ क्या? अरे कुछ तो बता, क्या हुआ? दीदी, दीदी, क्या हुआ? पता ना माया, क्या हुआ? मुझे, मुझे 3 महीने जड़ गए। ये क्या किया तूने? शर्म नहीं आती तुझे? कल मुझे मर मर जा जा के जा मर गई। मैं उससे बात कर रही हूँ ना। अरे तू क्या बात करेगी उससे? एक तो बिन ब्याही माँ बनी, दूसरी को ससुराल वाले यहाँ पटक गए। तुम दोनों की वजह से ये घर बर्बाद हो चुका है। जाओ मरो, मरो, मरो। ये तुझे क्या हो गया है? पागल हो गई है क्या? ये कैसा भूत सवार हो गया है तेरे सर पर? भूत सवार मेरे सर पर नहीं, हम सब पे सर पर हो गया। विषाद चढ़ गया हम पर, इसलिए वो अकेली लड़की मर्दों की तरह मरती है, कपती। और हम सब लोग उसे नोच नोच कर खाते हैं। पहले डरती थी कि तू दिल की मरीज है, कहीं मर तो नहीं जाएगी, लेकिन आज मुझे इंतजार है तेरी मौत का। तुम दोनों जब तक जिंदा हो इस घर को कभी सुख नहीं मिलेगा। उपकार मानूंगी मैं, उपकार 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 मानूंगी मैं तुम्हारा। जाके मर जाओ, जाओ जाओ जाके मर, तू मर जा जाके। अरे 2 करोड़ की इज्जत कर दी है तूने हमारी, सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। एक बिन ब्याही माँ को कौन अपनाएगा, कौन अपनाएगा? जी कर
करता है तुझे, जिंदा जला दू, जिंदा जला दू तुझे, जिंदा जला दू। मंजू दीदी, मंजू दीदी, मंजू दीदी, मंजू दीदी, माँ, मंजू दीदी मिट्टी का तेल छिड़क कर अपने आप को आग लगा रही है। माँ, मंजू दीदी, मंजू दीदी, मंजू दीदी, मंजू दीदी, मंजू दीदी, मंजू दीदी, देती है माँ की बातों पर नहीं मेघा, यही सोचकर कि तुम पर से कुछ तो बोझ कम हो जाए। वाह दीदी, बहुत अच्छी बात की है तुमने। तुम लोग सब अपनी अपनी मर्जी से फैसला करोगे और मर जाओगे, लेकिन मैं जो तुम लोगों के लिए जी रही हूँ, मेरा क्या होगा कभी किसी ने सोचा है? बदकिस्मत तो मैं हूँ जो इस घर की किसी भी जरूरत को पूरा नहीं कर सकी। इसका मतलब सबसे पहले तो मुझे ही मर जाना चाहिए ना। मेघा, मेघा, दीदी। लेकिन मैंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है दीदी। हाँ, अगर मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवा कर तुम्हें ससुराल ना भेज सकूं, माया को उसके प्रेमी से ना मिला सकूं, सुधाकर को उसके पैरों पर खड़े होने के लायक ना बन सको, तब तब हम सब एक साथ मर जाएंगे। लेकिन तब तक कोई हिम्मत नहीं हारेगा और खबरदार जो ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो खबरदार। मैं बकायदा तुम्हें मंगलसूत्र पहना के वाइफ बनाऊंगा। बदकिस्मत तो मैं हूँ जो इस घर की किसी भी जरूरत को पूरा नहीं कर सकी। आप सिर्फ 2 लाख दे दीजिए। लड़की के दिल का होल बंद करवा के भेज दो तो है, वरना फुल डिवोर्स। तुम्हारे शरीर और तुम्हारे गुणों को देखने के बाद वो 1 साल नहीं 1000 साल तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारेगा। मैं बकायदा तुम्हें मंगलसूत्र पहना के वाइफ बनाऊंगा। मैं बकायदा तुम्हें मंगलसूत्र पहना के वाइफ बनाऊंगा। चल मेघा, खेल जा जिंदगी का जुआ। कम से कम घर के बाकी लोगों की जिंदगी तो बन जाएगी। तुम ट्रक वाले हाथी की सूंड में चींटी की तरह घुसकर तुम से ज्यादा परेशान कर रहे हो। अरे मैं काय को तुम्हारी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो। कम इन सर, थोड़ी देर बाद बात करता हूं। मैं अपना इस्तीफा देने आई थी। मैंने कल सॉरी कह दिया था, फिर ये इस्तीफा किस लिए? क्योंकि आपकी होने वाली बहू आपके ऑफिस में कैसे काम कर सकती है? कमाल हो गया, कमाल हो गया, हाथे हाथे हाथे, टू मच नहीं 3 मच हो गया। ऐसा लगता है जैसे सचिन ने डबल सेंचुरी मार दी हो। कमाल पुत्र, लेकिन क्या पुत्र? आपकी बहू बनने के लालच में मैं तो अपना घर छोड़ के चली आऊंगी, लेकिन मेरे घर वाले, उनकी तकलीफें, उनके प्रॉब्लम्स कौन देखेगा? पुत्र, आज से तेरी सारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स हैं। बस तू तो मेरे पगले बेटे को संभाले किसी तरह से। और ये सारी बातें बस हम तीनों के बीच में रहेंगी। ओहो, हम तीनों के बीच में रहेगी, उसकी तुम फिक्र मत करो। मैं आपके आपके माता जी यानी बहन जी से बात करता हूँ। मैं कहूंगा कि बहन जी जी, आपकी पुत्री जो है मुझे अपने पुत्र के लिए चाहिए। सगाई आपके घर में करेंगे और शादी हमारे घर में करेंगे जी। तो सैगल साहब ने मुझसे पूछा, भैया सड़क कहाँ जाती है? मैंने कहा दिन को तो यहीं रहती है, रात को जब मैं सो जाता हूँ तब पता नहीं कहाँ जाती है। Excuse me,
मेघा जी, शादी का एग्रीमेंट लाया था, अच्छा होता जो कुछ हमने तय किया उसे कागज पर लिख दिया जाए। जरा साइन कर देना। मैं शायद दुनिया की पहली लड़की हूं जो शादी से पहले ही अपना तलाकनामा लिख के दे रही हूं। ये चार दिन की चांदनी ना हो भगवान, जीवन भर का उजाला हो, ऐसा आशीर्वाद देना। अरे अरे, मेरे पांव क्यों छू रही हो? माँ ने कहा था जाते ही पांव छूकर आशीर्वाद लेना। लेकिन आशीर्वाद तो बड़ों से या देवी देवताओं का लेते हैं? माँ कहती है पति भी देवता समान ही होते हैं। अरे क्या आप क्या कर रहे हैं? वही जो तुमने किया। अगर तुम मेरे पांव छू सकती तो मैं तुम्हारे पांव क्यों नहीं छू सकता? लेकिन आप पति हैं। और आप पत्नी हैं। पतियों में क्या सुर्ख आपके पर लगे होते हैं? लुक मेगा, आई फील पति पत्नी को दोस्तों की तरह रहना चाहिए, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। हरि ओम गणनर ओम गंगा गुड मॉर्निंग सर। ओए सर कह रही है पुत्र। I'm sorry. Good morning, daddy. Good morning, पुत्र, good morning. ये रही आपकी चाय। और ये मेरी चीनी। नहीं, गोलियां। ओके, ओए पुत्र। Good morning. Good morning. Morning. शक्कर? आधा चम्मच। Thanks. ये लीजिए डारी, गरम गरम पूरियां। ओए पुत्र, टू मच हो गया, पेट फटने को आ गया। मोटे होने का मतलब ये तो नहीं कि आदमी खाता चला जाए। ओए महाराज जी, आपसे काम बोला था यार। ये लीजिए साहब जी। पुत्र ये लो चाबियां, आज से इस घर की रसोई भी तुम्हारी और ये कार भी तुम्हारा। थैंक यू डारी। ओए तू चुपचाप खाता रहेगा, कोई कमेंट पास करेगा कि नहीं, या खाना अच्छा नहीं लगा तेरे को यार? अच्छा लगा डैड, बहुत अच्छा लगा। लाइफ में पहली बार इतना टेस्टी खाना खा रहा हूँ। टेस्टी खाना खा रहा है तो फिर टेस्टी सा तोहफा भी दे बहू को। तोहफा? तोहफा क्यों? लो जी, और पुत्र हमारे यहाँ रिवाज होता है जब पहली बार बहू खाना बनाती है तो उसको तोहफा देते हैं। आपका मतलब ये सारा खाना मेघा ने बनाया? तो क्या मैंने बनाया? ओ जी मेरी बहू है, रसोई के काम में, घर के काम में, सिंसेरिटी में, बिहेवियर में नंबर वन है।
इसीलिए तो हमने सिलेक्ट किया इसको। लाओ जी हाथ दो। ओके डैड, अपनी बहू को संभाल के रखिएगा। अगर किसी फाइव स्टार होटल वाले को पता चलेगा ना तो सर माथे पर रखकर उठा के ले जाएगा और मेगा को हेड कुक अपॉइंट कर देगा। मैं तो कहता हूँ डैड, क्यों ना हम खुद ही होटल खोल लें, मेगा को अपॉइंट कर देंगे, शी लुक आफ्टर एवरीथिंग एंड विल डू फैबुलस बिजनेस। व्हाट्स अप मेगा? छोटे मालिक, हाँ, आपका फोन। फोन? आई जस्ट कम डैड। बड़ा ही अजीब कैरेक्टर है, बट पुत्र जी आई लव यू यार। थैंक यू अंकल। ओ मेंशन नॉट पुत्र, कैसी बात है। हम जैसे लोगों की पहुंच भगवान तक नहीं होती ना। ओ इसीलिए कभी कभी मुझ जैसे लोग भगवान का रूप धर कर मदद करने के लिए आप पहुंचते, यही कहना चाहती है ना आप। ओ मेगा ने इस दफ्तर में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत नाम कमाया है। आई होप तुम भी सेम टू सेम करोगे। I'll try my level best, sir. I promise. You promise? Toh aate 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 putar. All the best to you. ₹80 की सुत्ती साड़ी पहनने वाली आज 8,000 की बनारसी साड़ी पहने खड़ी है। हाय, जिसकी सर्विस में मैं 24 आवर्स तैयार खड़ा रहना चाहता था, देखो आज पैसे की खातिर किसी और से सर्विस करा रही है। मैं घरानी चुम्मा चाटी लिपटा लिपटी करने से पहले छोरे का चेकअप जरूर करा रहा ना, कहीं अमेरिका से एड्स भेड़ ना ले आया हो। आप लोग मंत्र बंद मत कीजिए, चालू रखिए। सेवन टाइम्स बॉक्सिंग चैंपियन यशवंत कुमार को किसने मारा? मैंने नहीं मारा। तुमने मारा मुझे? ये राइट गला देखा है, ये लेफ्ट गला देखा है, ये देखा है। बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। सेवन टाइम्स ओके। ये तो किए जा रहा है वार पे वार, लगता है पहुंचा के रहेगा इसको बिहार। सलीम जी, इसे अस्पताल पहुंचा देना। अभी लो, ऐसा करते हैं 10-15 आदमी साथ में ले लेते हैं। क्यों? ये रास्ते में जग पड़ा तो कहीं हमें अस्पताल ना पहुंचा दे। भाई साहब ऐसी की उसकी धुलाई कि सीधा पहुंचा दिया भिलाई। ओए आखिर पुत्र किसका है? पुत्र मैं आज तुझसे बहुत खुश हूँ यार। किस लिए डैड? ओ तेरी पत्नी को किसी ने छेड़ा तो तूने उसको जी भर के मारा ही यार। ओए आज तुझे पता चला कि पत्नी का सम्मान क्या होता है। मेगा की जगह अगर वो किसी राह चलती औरत का भी अपमान करता ना तो भी मैं उसकी उतनी पिटाई करता। एक मिनट, राह चलती औरत में और अपनी पत्नी में थोड़ा फर्क होता है। That's not the point, Dad. Then what is the point, यार? ये औरत के सम्मान की बात है। जिस तरह पत्नी औरत होती है उसी तरह राह चलती औरत भी औरत ही होती है। That's a point. ओए वेट ए मिनट यार, ये जब पैदा हुआ था ना तो 10 मिनट तक डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि हंस रहा है या रो रहा है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जोक मार रहा है या। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आई लव यू यार एंड दैट इज द पॉइंट। आदे गुड गर्ल। ओ भाई साहब, आपके बगल में शर्मा जी रहते ना, वो ट्रैवल एजेंट, जरा उन्हें बुलवा दीजिए ना प्लीज। आप लाइन में रहिए, अभी बुलाते हैं। थैंक यू। भाई साहब फोन क्यों काट दिया? ओ जी उन्होंने कहा बुलाते हैं, आप लाइन में रहिए। जर्मन ने कहा था कि कर्जा मांगना तो कान में मांगना, इसलिए कान में मांगूंगा। हेलो जर्मन, मैं सलीम बोल लिया हूँ। ओ महाराज सलीम, बोलो जी क्या हालचाल है, सुबह सुबह कैसे फोन कर दिया? ऐसे ही, मैंने कहा कि इंडिया ने पोखरान में एटम बम फोड़ा है तो तुम्हें भी उसकी मुबारकबाद दे दूँ। ओ महाराज, छोटी सी बात के लिए मेरे को मुबारकबाद क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं, बात तो एक और भी है। क्या बात है महाराज? वो एक बम मेरे घर में भी फूटा, मेरी बीवी ने मुझे बहुत पीटा और कहा कि तो जर्मन को जो उधार दे रखा है वो उधार दे दीजिए। हेलो 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 जर्मन, जो उधार दे रखा है। हेलो हेलो उधार जर्मन। हेलो हेलो हेलो
हेलो महाराज बोलो। हेलो खराब लगती है। हेलो हेलो लेकिन मुझे सुनाई दे रही है। हेलो 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 भाई साहब एक फोन और कर लू। एक नहीं 10 कर लो जी। ठीक है लेकिन पहले 2 रुपए रख दो। अरे कमाल है आपको मेरे पे भरोसा नहीं है क्या भैया? जो अपनी बीवी से रोज पिटता है उस पे क्या भरोसा। ठीक है ठीक है ये लो 2 रुपए। हेलो जर्मन मैं फिर से सलीम बोल रहा हूँ। ओ महाराज सलीम सॉरी वो फोन कट गया था। और महाराज सुनो क्या हाल चाल है? हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मेरी बीवी ने बहुत पीटा और कहा कि तो जर्मन को जो उठा दे रखा वो ले गया। हेलो 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 जर्मन हेलो 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 जर्मन हेलो सिर्फ जर्मन जर्मन सुनाई दे रहा है। अरे लेकिन मुझे सब सुनाई दे रही है जो कर्जा ले रखा वो कर्जा दे रहा है तू। हेलो 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 भाई साहब एक फोन और कर लूं मैं। शाहन है चल लाइन में हम लोग क्या फोटो खिंचाने को ले रहे हैं समझा गया? चल 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 कम इन द लाइन। मुझे लगता है ये सलीम तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसा करता हूँ मैं बिना अपना कर्जा वापस मांग के इसका कर्जा उतार देता हूँ ये ठीक रहेगा। 4 5 हेलो महाराज सनी महाराज जी मैं जर्मन बोल रहा हूँ। जर्मन ने कर्जे के लिए फोन किया साला। All lines are busy in this route. Please dial after some time. पहले हेलो बोला फिर कहता है डायल आफ्टर सम टाइम। ठीक है फिर से घुमाता हूँ। हेलो हाँ भाई खराती लाल बोल क्या बोल रहा हूँ। कृपया प्रतीक्षा करें आप कतार में हैं। प्लीज वेट यू आर इन क्यू। महाराज अब कहता है आप कतार में हैं। सकर क्या है? 4 5 डायल किया हुआ नंबर उपलब्ध नहीं है कृपया आप अपना नंबर जांच लें हो सके तो अपने आप को भी जांच लें लें। महाराज मैं क्यों जांचूं? This phone is permanently disconnected. मुझसे कर्जा मांगने चला था बड़ा बेशरम हूं मैं। रखती तो महाराज इससे कर्जा मांगते मांगते तो लगता है एक दिन मैं टेलीफोन वालों का कर्जदार हो जाऊंगा। हेलो अरे यार जर्मन मेरी बीवी ने मुझे बहुत पीटा और कहा कि तो जर्मन को जो कर्जा दे रखा है। सारी लाइनें व्यस्त हैं कृपया 2-3 महीने बाद डायल करें। 2-3 महीने बाद हाय मेगा अभी तक सोए नहीं? आप खाना नहीं खाएंगे? मैं तो खा कर आया हूँ तुमने अब तक खाना नहीं खाया? आपके खाने से पहले मैं कैसे खा सकती थी? एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मेरे खाने के बाद खाओगी। लेकिन पत्नी को पति के बाद ही खाना खाना चाहिए ना। किस बेवकूफ ने कहा तुमसे ये? और पति भी तो पत्नी के खाने के बाद खा सकता है वो तो ऐसा नहीं करता। मैंने तो आज तक कोई पति नहीं देखा जो पत्नी के सम्मान की खातिर भूखा बैठा रहे। पति के लिए एक कायदा पत्नी के लिए दूसरा ये क्या बात हुई? देखो मेघा ये सब तौर तरीके मर्दों ने पत्नी को अपने पैरों के नीचे चप्पल की तरह और चप्पल के नीचे कंकड़ की तरह दबा के रखने के लिए बनाए। यू अंडरस्टैंड? खाना खाने के लिए पति का नहीं भूख लगने का इंतजार करना चाहिए। जाओ खाना खा लो। तू आते आते निशाना ठीक कर। अंकल सुधाकर कैसा है भाई तू? जी ठीक हूँ। हाँ एक मिनट मेगा बेटा। हाँ? भाई सुधाकर का फोन है। हाय डैडी। पुत्र आ रही है होल्ड कर। बेटा मेघा बेटिया को फजल चाचा की दुआएं भी बोलना। तेरे तो हाथ गीले हैं तू फोन कैसे पकड़ेगी? चल मैं पकड़ लेता हूँ तू गाल कर ले। हेलो हे मेघा जन्मदिन मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ओ गल क्या तू शुक्रिया किस लिए बोल रही है भाई? वो क्या है कि आज मेरा जन्मदिन है। ओए आज तेरा जन्मदिन है कमाल हो गया। आते आते नहीं पार्टी शादी होनी चाहिए भाई। बाय मेघा। ओए लगाम दे घोड़े को इधर आ इधर आ। ओ आजा पुत्र इधर आ।
आज तेरी वोटी का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे कर भाई। Oh really? Many happy returns the day, may God give you a long, long life. अच्छा डैड मैं चलता हूँ, मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। ओए कमाल करता है, आज के दिन तेरे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है या तेरी वोटी इंपॉर्टेंट है यार? एंड मेगा से तो कल ही मुलाकात हुई, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं 15 साल से मेरे फ्रेंड्स हैं, दे मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। सॉरी मेगा, बाय बाप से। ओ ये ऐसे ही है हड़बड़िया, हैरान परेशान। अभी बोल के गया कि जी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, फिर जब आएगा तो बोलेगा कि माँ बाप से ज्यादा वाइफ इंपॉर्टेंट है यार। हेलो मेगा। लो जी मैं होल्ड करके खड़ा हूँ, लो गर्ल करो प्लीज। हेलो। हेलो। हाँ सुधाकर। वो माँ पूछ रही थी कि आज तुम। हाँ मैं पूछती हूँ डैडी, वो माँ कह रही थी कि जी माँ जी के पास बर्थडे वाले दिन जाना जरूरी है, तुसी जाओ। बोलो आ रही हूँ जी। हाँ सुधाकर, माँ से कह देना मैं शाम को पहुँच जाऊंगी। ठीक है, ओके। ओए पुत्र जी, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी बर्थडे। ओ जी मेरा पुत्र। ओए ओए नहीं। अच्छा घर में सबको नमस्ते कहना। जी भैया। जीजा जी अगली बार आना तो 3 जने आना। अरे भाई मुझसे एक ही नहीं संभलती है, दूसरी बीवी को कहाँ रखूंगा। वो बच्चे की बात कर रही है। बच्चे की बात कर रही है भाई, वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी होनी चाहिए। बच्चा तुमको पैदा करना है या ऊपर वाले को। आपकी बहन जब भी मायके आती है कॉमेडी बहुत करती है। ओए बद्री, ए वो बोल के गई थी कि देर से आएगी। मुझसे कुछ नहीं कहा साहब। 12 बज गई यार, ए बेटे की बीमारी बहू को भी लग गई, टू मच है यार। वो आ गई साहब। डैडी आप अब तक जाग रहे हैं? पुत्र तेरा ही इंतजार कर रहा था। मेरा? वो आ गई क्या? वही तो टेंशन है, जैसे गर्मी के मौसम में अचानक ओले टपक पड़ते हैं ना, वैसे आज ये करेक्टर शाम को 7 बजे घर वापस लौटा है। अब अगर तुझसे पूछे कि कहाँ गई थी तो कह देना कि मैंने परमिशन दी थी, ठीक है ना? I'm sorry, माँ के यहाँ थोड़ी देर हो गई। बहुत नाराज है क्या? कहाँ थी अब तक? किसके साथ घूम रही थी? रिश्ता क्या तुम्हारा उसके साथ? हाँ जवाब दो। ऐसे ही कुछ कहना चाहिए था ना मुझे, राइट? कामिया लुक मेगा, तुम्हें मुझ पर और मुझे तुम पर पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए, ना एक दूसरे पर शक करेंगे ना हक जताएंगे। ओके ओके, जाके आराम करो, गो एंड रिलैक्स। मैंने पहले ही कहा था उस पगले की बातों को दिल को ना लगाना, बहुत भला बुरा कहा उसने। नहीं डैडी, एक लफ्ज भी नहीं कहा। तो पुत्र फिर ये आंसू? शादी से पहले मैंने एक बार उन्हें कितना बुरा भला कहा, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं डैडी, इतने अच्छे इंसान के साथ मैं 1 साल नहीं सारी जिंदगी रहना चाहूंगी। हाँ भाई खैरलाल बोल, क्या बात है? भाई साहब ट्रक वाले हो गए हैं शैतान, अब जाना पड़ेगा राजस्थान। तू मुझे हमेशा बैड न्यूज ही दिया कर है, तू चाहता है कि मुझे हार्ट अटैक हो जाए? भाई साहब हार्ट अटैक की बात नहीं है, वो कह रहे हैं कि थोड़े से पैसे बढ़ाओ। तो समझाओ उनको कि पैसे नहीं बढ़ सकते हैं, ब्लडी फूल। मॉर्निंग। मॉर्निंग। आप अपने डैडी से बहुत प्यार करते हैं ना? अरे बहुत प्यार करता हूँ, तभी तो उनकी बात रखने के लिए मैंने शादी की। बात रखने के लिए शादी कर सकते हैं तो बिजनेस में उनका हाथ बटाने के लिए ऑफिस भी तो जा सकते हैं ना? लेक्चर, बीवी का लेक्चर सुनना ना पड़े, इसलिए तो मैं शादी नहीं करना चाहता था। मैं भला आपको लेक्चर क्यों दूं?
और वैसे भी मैं आपकी बीवी थोड़ी ना हूँ। तो फिर क्या हो? आप ही ने तो कहा था कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। वैसे रोज बार क्लब आप बोर नहीं हो जाते? दिन में एक आध घंटे अगर आप ऑफिस चले जाए तो टाइम पास भी हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि बिजनेस में क्या हो रहा है। फिर लेक्चर। लेक्चर नहीं, बस दोस्त के नाते कह रही थी। बाकी ना तो मुझे आपके बिजनेस से मतलब है ना क्लब से। जूस रखा हुआ है, पी लीजिए। क्या लगा रखा तुमने पहलवान है? कभी डीजल खत्म हो जाता है, कभी टायर फट जाते हैं। तुम क्या मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? ओ ब्लैकमेल व्हाइटमेल का सवाल नहीं है सेठ जी। अगर डीजल का भाव बढ़ेगा तो हमें अपना भाव तो बढ़ाना पड़ेगा ना। अगर आप नहीं देना चाहते हो तो बोल दो, लोडिंग बंद करा देते। तुम इससे तमीज से बात करके फुंड मारूंगा। रख के सब ठंडाई। पहलवान जी मत करो हमें बर्बाद कि जाना पड़े अहमदाबाद। सेठ जी वैसे तो हम आपकी सर्विस में 24 आवर्स खड़ा रहना चाहते हैं, लेकिन आपने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम ट्रक नहीं चलाएंगे, ये फाइनल है। रहने दो, मत चलाओ। पापा हमें कितने ट्रकों की जरूरत पड़ती है? ओ जी 50 ट्रकों की यार। एक ट्रक का कितना किराया? 1000 रुपया। तो 50 ट्रक कितने हुए? 50,000 रुपए। एक साल में हम कितने महीने ट्रक चलाते हैं? यार तू मेरे नाल टीवी क्विज प्रोग्राम कर रहे हैं। पापसी मैं क्विज नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ एक साल में साढ़े कितने महीने ट्रक चलते हैं? कोई 9 महीने। 9 महीने एक दिन का हो गया 50,000, 1 महीने का 15 लाख, 9 महीने का 1,35,00,000 रुपया किराया देते हो। फिर एक नया ट्रक किन्ने दा आंदा? 5 लाख रुपए। तो 50 ट्रक दे हो गए 2.5 करोड़ रुपए। अच्छी एक काम करने है, 50 ट्रक खरीद लेने, सीजन में खुद चलाएंगे और ऑफ सीजन में किराए दे चढ़ा देंगे। 3 साल में इंटरेस्ट ना सारा पैसा भी वसूल हो जाएगा और ट्रक भी सारे हो जाएंगे। हद दो। हेरातीलाल एक काम करो, इस आदमी को बाहर निकालो, आउट। खराती लाल सुनानी साहब जी ने कहा कंपनी अपने 50 ट्रक खरीद रही है, बंदे को धक्के देकर बाहर निकाल दो। आ दो। माय सन गुड मैन दिलाल टैन। 7 times बॉक्सिंग चैंपियन यशवंत कुमार से पंगा लिया इसने। अरे रेल का किराया बढ़ गया तो क्या रेल गाड़ी खरीद लेगा साला? हवाई जहाज का किराया बढ़ गया तो क्या हवाई जहाज खरीद लेगा साला? लेकिन मैं ट्रक का किराया बढ़ा रहा हूँ तो ट्रक खरीदा साला, इसे तो मैं देख लूंगा। पहलवान जी छोड़ो ये कहानी और सीधे जाओ बवानी। उसने मेगा के साथ शादी कर ली तुसी की किता, उसने ट्रक एसोसिएशन के अंदर तुम्हारी मट्टी पलीत कर देती तुसी की किता, शादी के मंडप के अंदर तुम्हें कुत्ते की तरह पीटा तुसी की किता। क्रांतिलाल जी। हाँ जी। वो उसने मेरे मुंह पे मारा था, पीठ पे मारा था, सीने पे मारा था, लेकिन आज उसने मेरे पेट पे मारा है। ये मैं नहीं सहूंगा, उसे तो मैं जान से मार दूंगा और फिर देखता हूं कि वो जान कहां से खरीद के लाता है। ओ शाबाश। पहलवान जी कर दो ऐसी घटना, वो सीधे पहुंचे पटना। हेलो। हाँ मैं मेघा बोल रही हूँ। हाँ मेघा बोलो। अरे बोलो भाई। आज शाम को कमानी हॉल में अनुराधा पोडवाल और कुमार शानू का प्रोग्राम है। अच्छा, योर फेवरेट सिंगर्स। हाँ हाँ, मैंने आज शाम के लिए 2 टिकटें बुक की हैं। अगर आप जल्दी आ जाएं तो। नहीं मेघा, मेरा कोई और प्रोग्राम है, तुम जाना चाहो तो चली जाओ। ओके कैरी ऑन, बाय।
डॉक्टर साहब। भाई आपके बेटे की जान को तो कोई खतरा नहीं है विश्वनाथ जी। बेटे की जान को कोई खतरा नहीं है जी, हाथ तो डॉक्टर साहब। लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर साहब? उसकी रीढ़ की हड्डियाँ डैमेज हो गई हैं, बराबर बेड रेस्ट करना पड़ेगा उसको। फिर भी वो सब मैं कर लूंगी डॉक्टर साहब, बस आप उन्हें घर ले जाने की इजाजत दे दीजिए। हेलो महाराज, मैं जर्मन बोल रहा हूँ। इसकी तो फिर से फोन आ गया इसका। सनी सी है क्या? क्यों रे टेंशन प्लीज, नई दिल्ली से भागड़ा नगर जाने वाली गोलमाल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 5 से पा पा पी पी पू पू पी पी करती रवाना होगी। ओ महाराज, लगता है इस बार रेलवे स्टेशन का नंबर लग गया है। महाराज मैं जर्मन बोल रहा हूँ। बच्चों की सुरक्षा के उपाय, बच्चों को रोजाना सुबह शाम डाबर ऑयल तेल से अच्छी तरह मालिश करें, अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप देकर पोलियो से बचाएं, और अपने बच्चों को मच्छरों से दूर रखकर मलेरिया से बचाएं। धन्यवाद। वेलकम भाई, आपकी पसंद प्रोग्रामिंग, आपका स्वागत है। महाराज स्वागत के लिए तो थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? ओ महाराज मैं जर्मन बोल रहा हूँ। बड़ा प्यारा नाम है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? उसी मैं अपने घर से बोल रहा हूँ। बड़ा प्यारा ही घर है। अरे भाई आपकी फरमाइश? कैश। बड़ी प्यारी फरमाइश है। कैश मेरे की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबू जी, मुरझा गई तो फिर नकी लूंगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ महाराज ये गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? और ये सनी फोटो स्टूडियो ही है ना? नहीं जी, ये जी टीवी है। अब आप इसे चमत्कारी समझिए विश्वनाथ जी, वरना रीढ़ की हड्डी टूटने से इंसान उम्र भर के लिए अपाहिज भी हो सकता है, और ये तो बिल्कुल अच्छे हो गए, और वो भी इतनी जल्दी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। बस ये आप ही की मेहरबानी। अजी थैंक्स मुझे नहीं जनाब, अपनी पत्नी को दीजिए। जिस तरह रात दिन सेवा करके इन्होंने आपको नई जिंदगी दी है, बल्कि यूं समझिए कि मेरी दवा नहीं इनकी दुआ काम आई है। ऐसा जीवन साथी तो बड़े भाग्य से मिलता है जनाब। अच्छा अब मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ओए पुत्र जी महाराज, सुना तुमने डॉक्टर साहब ने हमारी बहू के बारे में क्या क्या कहा यार, है कमाल हो गया। बिल्कुल ठीक कहा, वाकई मेगा ने बहुत सेवा की है, एक नर्स की तरह, एक दोस्त की तरह। आई टेल यू डैड, अगर मेगा किसी अस्पताल में काम करेगी ना तो जरूर मदर टीजा या फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसा नाम कमाएगी। ओए कल तेरी शादी की पहली सालगिरह है, तुझे याद आया, तू भूल गया पुत्र? भूलूंगा कैसे डैड, कल ही तो हमारा एग्रीमेंट पूरा हो रहा है। एग्रीमेंट? ओए कौन सा? ओए उस एग्रीमेंट का अब क्या करना, फाड़ के फेंक दे यार पुत्र मेरे। नो डैड, नाउ इज द टाइम टू फॉलो इट, अभी तो उस पर अमल करना है। मतलब ये डैड कि मेगा बहुत ही अच्छी लड़की है, उसमें सच्चाई है, आत्मसम्मान है, सहनशीलता, सभी कुछ है, लेकिन फिर भी उसमें मुझे एक दोस्त नजर आता है, पत्नी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकता हूं डैड। आई एम नॉट गेटिंग द फील। फील? वो कहां से आएगी फील? जमाने से निराली कुबुद्धि जो भरी पड़ी है तेरी खोपड़ी में। डैड आप तो खामखा सीरियस हो रहे हैं। कोई सीरियस नहीं होऊंगा। हां मेगा अच्छी लड़की है, सच्ची है, सहनशील है, उसमें आत्मसम्मान है, सब मान रहा है, पर तेरी पत्नी बनने के लायक नहीं है। क्यों भाई? दुनिया में ऐसे लोग तो देखे हैं जो इसलिए अलग होते हैं कि उनकी उनकी आपस में नहीं बनती, या उनके ख्याल एक दूसरे से नहीं मिलते, पर आई एम नॉट गेटिंग द फील। क्या कर, पत्नी को छोड़ने वाला तू अकेला पैदा हुआ है, और शर्मानी चाहिए तुझे यार। वो शादी सिर्फ सात फेरों का नाम नहीं है, जन्म जन्म के लिए मनों को बांधने वाला पवित्र बंधन है। ओए उस परी लड़की के साथ अन्याय मत कर, ओए उसकी हाय लगेगी तेरे को, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, तेरे पांव पड़ता हूं यार। ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो पापा? मैंने अपनी शर्तें शादी से पहले ही बता दी थी और आपने हाँ की थी, डोंट फॉरगेट दैट। उसके बाद ही मैंने एग्रीमेंट बनाया था। अब एग्रीमेंट के मुताबिक अगर हम लोग अलग हो रहे हैं तो इसमें आप अपसेट क्यों हो रहे हैं? वो अपसेट इसलिए हो रहा हूं कि मंगलसूत्र जैसे पवित्र बंधन पे पूरा भरोसा था मुझे,
मुझे यकीन था कि वो तुझे बदल देगा। मुझे नहीं पता था कि मेघा जैसी लड़की को भी तू पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। चलो मान लिया कि तुझे उससे प्रेम नहीं है, वो तेरी बीमारी में उसने कितनी सेवा की, तुझे फिर से नया जीवन दान दिया, क्या वो एहसान भी तू भूल गया? लेकिन एहसान मानने और घर बसाने में क्या संबंध है? प्रेम का संबंध तो सिर्फ दिल से है डैड, दिल से। पता नहीं आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे। एहसान तो उस डॉक्टर का भी है, क्या मैं उस बुड्ढे डॉक्टर से शादी कर लूं? चुप कर। समझ गया कि तू क्या है, कितना घुन्ना आदमी है तू। लेकिन एक बात याद रख, ये पाप तुझे, मुझे और हमारे पूरे खानदान को नहीं छोड़ेगा। इनफ डैड, मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। आप कंफ्यूजन में जाकर आराम कीजिए। कल आप मुझे मेरे घर भेज देंगे, हमारे एग्रीमेंट का एक साल पूरा होने आया है ना। थैंक्स मेघा, थैंक यू वेरी मच। सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे ठीक समझा। ऑल द बेस्ट। आस्क समवन टू सेंड सम आइस प्लीज। महाराज। हाँ बिटिया। ये रही रसोई घर की चाबियां और बड़े साहब की चाय में शक्कर की जगह गोलियां डालना भूलना मत। बद्री काका, बद्री काका, छोटे साहब रात को जितनी भी देर से आए उन्हें खाना खाए बगैर सोने मत देना और बड़े साहब का ख्याल रखिएगा। इस एक साल में अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो बेटी समझ कर माफ कर देना। बिटिया। काका, बिटिया तो सब कुछ ऐसे सौंप रही है जैसे घर छोड़कर जा रही है। चलू सर। सर कह रही हो पुत्र। डैडी कहने का हक तो आपके बेटे ने मुझसे छीन लिया ना। अब मेघा मैं क्लब जा रहा हूं, रास्ते में तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। जिंदे रहो पुत्र। I will always love you. Me too, sir. Me too. Hey,
एक साल हमने मिलजुल के साथ गुजारा, अब हम अलग हो रहे हैं। कल को मुझे देखकर मुंह तो नहीं फेर लोगी? मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो ना? थैंक्स। भले ही हम जीवन भर के लिए पति पत्नी ना बन सके, पर दोस्त तो हमेशा रहेंगे। कीप दैट इन माइंड, और कभी भी कोई जरूरत पड़े तो फौरन मुझे फोन करना, ओके? बाय, गिव माय लव टू एवरीवन। मेघा, दामाद जी बाहर के बाहर से ही चले गए, उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? और तू बिना खबर किए चली आई, सब ठीक तो है ना? क्या बात है मेघा, कुछ खास खबर? हाँ माँ, खास ही है। उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन नौकरी तो तूने शादी से पहले ही छोड़ दी थी। आज पत्नी की नौकरी से निकाला है। पत्नी की नौकरी? ये क्या कह रही है तू? उन्होंने अग्रीमेंट किया था माँ, मुझे सिर्फ एक साल के लिए पत्नी बनाने का। एक साल के लिए पत्नी? ये कहाँ का रिवाज है? रिवाज नहीं माँ, मेरी बदकिस्मती है। अगर तुझे पता था तो तूने ऐसा अग्रीमेंट किया है क्यों? एक तो उन दिनों घर के हालात, और फिर एक आशा थी मन में, एक उम्मीद थी कि शायद जीवन भर का साथ हो, और उसके लिए मैंने कोशिश की माँ, बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गई, मैं हार गई माँ। शायद मेरी कोशिश में कुछ कमी रह गई। हेलो, सनी गोयल महाराज हैं क्या? इसकी ऐसी की तैसी। आ जी सनी जी, तो नहीं है, मैं कौन बोल रहा तुसी? महाराज मैं जर्मन बोल रहा हूँ। ए कोई ना हो गया, वो तो जर्मन बोल रहे हैं, मैं जापान बोल रहे हैं। महाराज जापान जी, सनी जी किधर गए हैं? वो यार और किधर जाएगा, शूटिंग पे गया, रख फोन। शूटिंग पे गए हैं महाराज? मेरा कर्जा वापस करने के चक्कर में कहीं इसने फिल्मों में एक्टिंग करना तो शुरू नहीं कर दिया? हाँ जी महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सनी गोयल जी ने फिल्मों में एक्टिंग करना कब से शुरू कर दिया? ओए खोतिया, पिछले 15 सालों से वो एक्टिंग कर रहे हैं, करते रहेंगे, तेरे को कोई इतराज है? ओ महाराज, आप किस सनी की बात कर रहे हैं? ओ यार, मैं उस सनी की बात कर रहा हूँ जो पंजाब का पुत्र है, पंजाब की शान है, सनी देओल, जिसका नाम है राठ। महाराज, मैंने तो सनी गोयल को लोकल कॉल लगाई थी, ये सनी देओल को एसटीडी कॉल कैसे लग गई? हेलो, और ये सनी गोयल की फोटो की दुकान ही है ना? ये सनी गोयल की दुकान नहीं, ये सनी देओल का मकान है। ओजी, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं खुद सनी देओल बोल रहा हूँ। ओ सनी देओल जी, ओ सनी देओल जी महाराज नमस्कार। ओ जी, मैं तो आपकी घायल देख के ना आपका कायल हो गया जी। और जी, घर में धर्म जी और बॉबी जी क्या कर रहे हैं जी? धर्म जी सो रहे हैं, बॉबी जी ना रहे हैं, मगर आपके फोन बार बार क्यों आ रहे हैं? कौन है बेटा? पापा को हैरान कर रहा है, मुझे दे। एलो पापा।
कमीने, कुत्ते, हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आइंदा तूने फोन किया तो मैं कसम मैं तुझे जान से मार दूंगा। उबरस उबरस, लगता है धर्म जी को गुस्सा आ गया है। आची अरे मेघा, मेघा जरा चाय भेजना प्लीज। आहिस्ता बद्री काका, ट्रे भी नहीं आज। शिट, ये चाय कैसी है बद्री काका? हम नौकर हैं, आपकी बीवी नहीं है। कहो तो हम भी घर छोड़ के चले जाएं। अरे चाय कैसी, कहां और बुड्ढा भड़क गया? कल तो ठीक था ये। डैड शट अप। डैड मेरे बाथरूम में गरम पानी क्यों नहीं आ रहा? और मैं कोई प्लंबर नहीं हूँ या इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ जो गर्म पानी नहीं आ रहा, और कोई जरूरत नहीं है चिल्लाने की। हाँ अरे मैं कब चिल्लाया? Surely something gone wrong with this house. देखो बेटी, पिछली कंपनी में जितनी तनख्वाह तुम्हें मिलती थी उतनी तो हम नहीं दे सकेंगे। कोई बात नहीं सर, आपने इस नौकरी के लिए जो भी सैलरी तय की है वही दे दीजिए। ठीक है, तुम कल से ही काम पर आ सकती हो। अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ में ले आना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अरे वाह गुरु, खाने का तो मजा आ गया यार। अरे खाना छोड़ यार, पहले वो देख। अरे कौन है वो? अरे तेरे को नहीं पता? ये अपने मालिक की एक्स बहू है। एक्स बहू? अरे ये वही लड़की है जिसने एग्रीमेंट पर शादी की थी। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। आप यहाँ अपने सर्टिफिकेट्स लेने आई थी? मैडम वहाँ जाकर किसी एक को ही पटाइएगा, या तो मालिक को या उसके बेटे को। यहाँ तो दोनों को पटाने के चक्कर में दोनों ही हाथ से निकल गए। आपका रेट क्या चल रहा है मैडम? मेरा मतलब है क्या लेती हैं आप एक साल का? वैसे एक साल में एक ही आदमी के साथ बोरियत नहीं होती? अगर आप 6 महीने मेरे साथ रहें और 3 महीने इसके साथ, 3 महीने इसके साथ, तो क्या चार्ज करेंगी आप? जल्दी चलो रिक्शा वाली। बहुत जल्दी में मैडम, हमें भी कुछ अर्जेंट के चार्ज बता दीजिए। 2 मिनट में कितने पैसे लेंगी आप? अबे सिर्फ 2 मिनट? अबे भगवान के मंदिर में और औरत की गोद में 2 ही मिनट काफी होते हैं, स्वर्ग दिख जाता है वहाँ। या फ्राइडे को न्यूयॉर्क पहुंच जाऊंगा, डेफिनेटली 100%। ओके बाय। सर सर सर, मेरी बहन पर तरस खाई है सर। ऐसा जुल्म मत कीजिए उसके साथ। मैंने क्या जुल्म किया तुम्हारी बहन के साथ? सर इस देश में पति जंगल में भेज दे या हरिश्चंद्र की तरह बिकने को भेज दे तो पत्नी खुशी खुशी चली जाती है, लेकिन किसी सुहागन को उसका पति मैके में छोड़ दे तो वो जीते जी मर जाती है सर। पर मैंने मेघा को एग्रीमेंट के मुताबिक छोड़ा है, और उसने भी सोच समझ कर ये शादी की थी। मेरी बहन ने ये शादी अपने ऐशो आराम के लिए नहीं बल्कि हम लोगों को मुसीबत से बचाने के लिए की थी। मेरी नौकरी के लिए, बड़ी बहन के दिल के ऑपरेशन के लिए, छोटी बहन को फांसी के फंदे से बचाने के लिए उसने खुद अपनी बलि चढ़ा डाली सर। लेकिन इस सब के लिए तुम मुझे क्यों गलत ठहरा रहे हो? गलत आपको नहीं, गलत मेरी बहन को सारी दुनिया ठहरा रही है। जब से ये बात खुली है कि उसने एग्रीमेंट की शादी की है, सड़क पे चलता हर आदमी उसे रोक रोक कर पूछता है, 1 घंटे के लिए आओगी, आधे घंटे का कितना लोगी? मेरी देवी जैसी बहन को लोगों ने वेश्या बनाकर रख दिया सर। अगर आप कहेंगे तो मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा, तब भी आपका कर्जा ना उतरे तो हम सारे घर वाले आपकी सेवा करेंगे सर। लेकिन मेरी बहन को फिर से स्वीकार कर लीजिए सर, उसके साथ ही अन्याय मत कीजिए सर, मत कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम हरे हरे। छोटे बाबू प्रसाद। क्या बात है छोटे बाबू, बिटिया पूजा पर नहीं आ रही है? सब कुशल तो है ना? बड़ी कठिन तपस्या की है छोटे बाबू उन्होंने आपके लिए, मैंने देखा है। महीनों उपवास किया, एक एक पत्थर पे माथा टेका,
कि न जाने किस पत्थर में भगवान हो जो आपको बचा ले। पांव से खून टपकता था पर बेपरवाह नंगे पैर हर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती थी। बड़े भाग्यवान हो छोटे बाबू जो ऐसी जीवन संगीनी मिली आपको। बाबू साहब, ओ बाबू साहब, घरवाली के इलाज के लिए धर्म कीजिए। एक्सीडेंट से कमर टूट गई बेचारी की। अबे कमर टूट गई है तो इसे पीठ पे लाद के अपनी कमर क्यों तोड़ रही है? इसे घर में बिठा और भीख मांग। ऐसा मत बोलो भाई। बाबू साहब, सात फेरे लेकर मंगलसूत्र पहनाया था इसे। भगवान ना करे अगर आपको या मुझे ऐसी चोट लग जाती तो क्या हमारी पत्नियां हमें छोड़कर चली जाती? कंगाल हूं साहब, कमीना नहीं हूं। अरे वाह वाह, अरे तूने तो डायलॉग मार के लमलेट कर दिया हमें। देखा छोटे मालिक, हमारे इंडिया के भिखारी भी फॉरेन रिटर्न से कितने अच्छे होते हैंगे। नहीं नहीं, आपकी बात थोड़ी कर लिया हूं, मैं तो जनरल बात बोल लिया हूं। भगवान आपका भला करे साहब। लेकर मंगलसूत्र पहनाया था इसे। भगवान ना करे अगर आपको या मुझे ऐसी चोट लग जाती तो क्या हमारी पत्नियां हमें छोड़कर चली जाती? पांव से खून टपकता था पर बेपरवाह नंगे पैर हर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती थी। कोई शादी सिर्फ सात फेरों का नाम नहीं है, जन्म जन्म के लिए मनों को बांधने वाला पवित्र बंधन है। भगवान ना करे अगर आपको या मुझे ऐसी चोट लग जाती तो क्या हमारी पत्नियां हमें छोड़कर चली जाती? मेरी देवी जैसी पहनती। बड़े भाग्यवान हो छोटे बाबू जो ऐसी जीवन संगीनी मिली आपको। पर बेपरवाह नंगे पैर हर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती थी। योर पासपोर्ट प्लीज। टैक्सी। डैड, आई वांट मेगा बैक। मुझे उसकी जरूरत है। आई रियलाइज, और मुझे लग रहा है कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। चलिए डैड, मेगा को वापस ले आते हैं। क्यों? 6 महीने का एग्रीमेंट और करना है उसके साथ? पापा, वैसे मेगा ना माने तो किसी दूसरी को ले आएंगे पुत्र। अपने ऑफिस में एक टाइपिस्ट से अभी शादी नहीं हुई उसकी। तू कहे तो बात करूं उसके साथ, और शादी के बाद छोड़ भी देगा तो भी मेगा की तरह दुखी नहीं होगी वो। डैड आपको, बल्कि अब एक एक महीने का एग्रीमेंट बनाना। 1 महीने में जी भर जाए तो फौरन दूसरी। क्या ख्याल है तेरा? मरे हुए को और क्यों मार रहे हो साहब? कौन मरा है? ये मरा है। और इसे शादी करने की भूल करके, दिन रात इसकी सेवा करके इसे नई जिंदगी देने वाली वो परी लड़की मेघा मरी है। कैसी नजरों से देखा था उसने मुझे, पता है तुम्हें? जैसे कह रही हो डैडी, आपने आपने मेरी जिंदगी का सत्यानाश कर डाला। उस पल में मैं मर गया था। मैं, इसका क्या है? ये तो हमें मार के फिर चला जाएगा अमेरिका। तू जा बेटा, तू जा, खुश रह। हम तेरे बगैर जी मर लेंगे। तू जा, जा मजे कर। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये रहा मेरा पासपोर्ट, इसे फाड़ कर फेंक दीजिए। मुझे अपनी गलती पर पछतावा है डैड। मैं बदल गया हूं। आई स्वेयर डैड, मैं सचमुच बदल गया हूं। अगर तू सचमुच बदल गया है तो मुझे नहीं उसको यकीन दिला, क्योंकि मुझमें हिम्मत नहीं है कि मैं बहू के पास जाकर उससे आंखें मिला सकूं। ओके डैड, मैं खुद ही जाता हूं। तू जाता है या मैं चप्पल निकालूं? चप्पल मौसी, चप्पल। 7 times बॉक्सिंग चैंपियन यशवंत कुमार को चप्पल दिखाने का मतलब यह होता है कि तू वाकई अपसेट है। लेकिन कोई बात नहीं, जब तेरा गुस्सा कट होके सेट हो जाएगा तब तेरा ये सेवक यशवंत कुमार 24 hours तेरी सर्विस में तैयार खड़ा मिलेगा। अरे मैं घर आनी। तू फिर आ गया? Thank you.
माफ करना बेटा, उसने समझा यशवंत है। माफ तो आप लोगों को करना माँ जी। मेघा, आई एम रियली वेरी सॉरी। चलो अपने घर चलो। घर? तुम्हारे अपने घर। जले पर नमक तो ये है माँ, दिल के टुकड़े करने के बाद अब कागज के टुकड़े करके दिखा रहे हैं। नहीं मेघा, मैं वो विजय नहीं हूँ, मैं बदल गया हूँ। आप नहीं, आपका मूड बदला होगा मिस्टर विजय। तब घर से निकालने का मूड था, अब वापस बुलाने का मूड है। तो जब आप कहे उठो मैं उठ जाऊं, बैठो तो मैं बैठ जाऊं, सो जाऊं कहे तो मैं सो जाऊं। मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूं मिस्टर विजय, मेरा भी अपना कोई वजूद है, आत्मसम्मान है। फीलिंग सिर्फ आप ही को नहीं, मुझे भी होती है। मैंने जब खाना बनाया तो हेड कुक बना दिया, सेवा की तो हेड नर्स बना दिया। अरे जब माँ अपने बच्चे को खाना खिलाए या दूध पिलाए उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी बराबरी आया से नहीं करनी चाहिए। पत्नी अगर पति की सेवा करे तो उसे प्यार देना चाहिए, मेडल या सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं जान गई कि आप में प्यार करने की काबिलियत ही नहीं है। जिस दिन आपने ये कहा कि आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स पैदा नहीं है, उस दिन मेरी फीलिंग्स भी आपके लिए खत्म हो गई, फिनिश्ड। मेगा मुझसे गलत। मेरे घर आए हैं, चाय पी के जरूर जाइएगा, लेकिन मुझे घर ले जाने की बात मत कीजिएगा। जानता हूं मेरी भूल माफ करने लायक नहीं है, लेकिन इस बूते पर माफी मांग रहा हूं कि पैदा होते ही मेरी मां चल बसी। मां होती तो शायद जान पाता कि औरत क्या होती है। होश संभाला तब से अमेरिका में हूं, ज्यादातर वही औरतें देखने को मिली जो मर्दों का टाइम पास होती है। यह समझने का मौका ही नहीं मिला कि औरत ही होती है जो आदमी को संभालती है, उसे संवारती है, इंसान बनाती है। और आज, आज जब मैंने समझ लिया तो तुम्हें नहीं समझा पा रहा हूं। मैं फिर भी निराश नहीं हूं, एक न एक दिन मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा कि मैं सचमुच बदल गया हूं। मैं इंतजार करूंगा मेघा, उस दिन तक जब फिर तुम्हारा मन मेरी तरफ से साफ हो जाए। विजय बाबू बजा तो रहे हो डंका, पर जाना न पड़े श्रीलंका। घाटे में चल रही पीआर कॉर्पोरेशन आपने 18 करोड़ रुपए में खरीद ली। खैरातीलाल, 18 करोड़ रुपए तो कम है, अगर इस कंपनी की कीमत 28 करोड़ रुपए होती तो भी मैं खरीद लेता। विजय पुत्र, बन तो रहा है बिरला पर पहुंचना जाना केरला। हेलो। अरे भाई जर्मन में सलीम बोल लिया हूँ। बराज, लगता है सलीम का कर्जे के लिए फोन आया है। अरे भाई मेरी बीवी ने मुझे कल फिर पीटा और कहा कि अगर कर्जा दे रखा है तो कर्जा ले। नमस्कार, मैं जर्मन बोल रहा हूँ, इस समय मैं घर पे नहीं हूँ, कृपया अपना मैसेज एक लंबी बीप के बाद छोड़े। ये लंबी बीप को ज्यादा ही लंबी हो गई। ओ महाराज, लगता है सलीम का कर्जा जब तक मैं वापस नहीं कर दूंगा ये मुझे चैन से जीने नहीं देगा। ठीक है, मैं भी सनी जी को कांटेक्ट करता हूं। 456। हेलो जी, सनी जी महाराज है क्या? उफो, जर्मन फिर से लैंड पे आ गया। मैं जर्मन जर्मन वर्ण बोलते हुए मैं काश्य बोलते काश्य कतर माजा बाबा तुला तापल तुलर बाबा तुझे पत्र ने काहे ने तुझे किती आठवण काढले बाबा कतर माजा देवा। ओजी महाराज, लगता है कोई महाराष्ट्रीयन लाइन पे आ गया है। ओजी महाराज, मैं सनी जी से बात करना चाहता हूँ। काय कौन सनी बोलते, मला हिंदी इतने रे बाबा, जरा मराठी बोल रे बाबा। ये ओजी, ओजी आप हिंदी में बोलिए, मेरे को मराठी नहीं आती है। मराठी ना येत तर झक मारायला फोन केला तुझ्या मायला, कमरेवर रात घालतो तुझ्या बेंडकोळ्या नरसाळ्या, ठेव फोन। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। ओहो।
थांबा थांबा, मी जर्मन बोलते। हेलो हेलो, इसने मराठी सीख ली। हेलो ऐ कौन बोलो छो भाई? सनी महाराज तिकड़े आहे का? हूं तो दिनेश आणि भरत गांधी बोलो छो। दिनेश साहब, भरत गांधी? ओ महाराज, लगता है इस बार कोई गुजराती लाइन पे आ गया है। दिनेश साहब, भरत गांधी महाराज, मैं सनी जी से बात करना चाहता हूँ। अरे सनी नती बापू, हूँ बोलो छो, तमें गुजराती में बात करो ना, मैंने हिंदी आवता नती। ओ महाराज, अब मैं गुजराती कैसे बोलूं? अरे गुजराती आवता नती तो फोन राखे देने, शू काम मारा मगज खाए थे गधेड़ा। फोर फाइव सिक्स सेवन। दिनेश भाई, हूँ जर्मन बोलू छू, सनी महाराज छे। हेलो, इसने गुजराती भी सीख ली। जर्मन बोलू छू। ऐ कोस्त्र नमन वस्त्र किस्त्र बिस्त्र यं सूर यं कूर शूरेन बांध रखा रे विरे पार लकान जूर मार्ग अरे करोल बैग पाले के बाजार है वाले आगर अब रक्त रक्त खा के मरेगा वागर उनसे कुंज शूरेन उनसे मोरे मोरेन उन द्रोस्त्रे अला बला कने कुंज कमीर उन द्रोस्त्रे उले चुले के लो कुंज अपुरे उन द्रोस्त्रे कुले बिया एस प्रोले कुत्ते की मौत मरेगा एस प्रोले। ओ महाराज, ये कौन सी जबान बोल रहा है? अब इसकी किताब कहां से लाऊं? नए मालिक जिंदाबाद, 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 नए मालिक जिंदाबाद। हेलो सर, जिंदाबाद। वेलकम सर, जिंदाबाद। ये है मिस्टर चौधरी। हेलो सर, थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस। थैंक यू। मिस्टर शेखर, चीफ इंजीनियर। थैंक यू सर। मिस्टर रेड्डी, अकाउंटेंट। हेलो, थैंक यू वेरी मच। ये मेघा जी, आपकी पर्सनल असिस्टेंट। मैडम जी, एमडी जी सर झुका के खड़े हैं जी, माला डालो ना जी। नमस्ते सर। प्लीज टू मीट यू। मैडम जी, एमडी जी हाथ मिलाना चाहती हैं जी, मिला लो ना जी। महाराज जी, 18 करोड़ रुपए की हाथ मिलाई हो रही है जी। ओ महाराज जी, 18 करोड़ रुपए की हाथ मिलाई हो रही है जी। Not a bad beginning, German. जी। Yes. चमन, जरा देखकर तो हम मेगा का मूड कैसा है? उसी महाराज, लुट गए, बर्बाद हो गए। आपके 18 करोड़ तो सिर्फ हाथ मिलाई के चक्कर में डूब गए। क्यों, क्या हुआ? उसी आपकी पत्नी जी तो इस्तीफा लिख रही है, रेजिग्नेशन। महाराज, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आपकी पत्नी पिघलने वाली नहीं है, दिल पत्थर है उनका, सॉलिड पत्थर। उसी महाराज, तू नीचे छुट जा। ठीक है, आप भी बैठ जाओ। May I come in, sir? Yes, come in. Excuse me, sir. लाओ, इस्तीफा देने आई हो। Come on, give it. Come on. मैं इस्तीफा क्यों दूं? इसलिए कि अब डेली तुम्हें मेरे सामने रहना होगा, और शायद तुम्हें डर भी लग रहा होगा कि अगर किसी दिन तुम्हारा अपने दिल पर काबू न रहे और शायद आप ये भूल रहे हैं कि आप मेरे घर तक आए थे और तब भी मैंने आपको इनकार कर दिया था। हाँ, वो तो किया था, लेकिन फिर भी ये समझकर चलना कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, सिर्फ बॉस हूँ, और तुम मेरी सिर्फ पीए हो, ये सोचकर मेरे पास काम करने की हिम्मत है तुम्हें? Yes, definitely. तो फिर तुम अंदर क्यों आई हो? बाहर जो आपने मेरे साथ बर्ताव किया उसके बारे में वार्निंग देने आई हूँ कि यहाँ मैं सिर्फ आपकी पीए हूँ, पत्नी नहीं जो आप मेरा हाथ दबाए पैर दबाए। इन फ्यूचर बी केयरफुल।
उसी कैंसिल हो गया इस्तीफा। उसी महाराज मुबारक हो, आपकी लव स्टोरी की शुरुआत तो एकदम 1942 जैसी हुई है। मेघा ये क्या कर रही है? कीड़े लगी हुई सब्जियां पतीले में डाल रही है और अच्छी सारी नीचे फेंक रही है। मैंने ठीक से देखा नहीं माँ। ये तब होता है जब आदमी कहीं होता है और उसका मन कहीं और होता है। चल उठ, मैं करती। नहीं माँ, मैं कर लूंगी। सब्जी खराब हो तो उसे फेंक देते हैं, लेकिन आदमी खराब है कह के उसे फेंकते नहीं, सुधार लेते हैं। ये मैं नहीं, मेरी माँ कहती थी। मेघा 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 मेघा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पूछो क्या? पहेलियां बुझाने का मेरा मूड नहीं है। आज शाम को कमानी हॉल में अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू का प्रोग्राम है। ये लो उसके टिकेट, गो एंड एंजॉय। मुझे नहीं जाना, यू गो एंड एंजॉय। अरे तुम्हारे पसंदीदा सिंगर का प्रोग्राम है और तुम मना कर रही हो। मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं है। समझ गया, यानी जीजा जी को अब तक भूला नहीं पाई तुम। नहीं भूलने को, मैं कोई लैला नहीं और वो कोई मजनू नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या दुख है तुम्हें, कुछ बताओगे भी? कहा ना कोई दुख नहीं है, कितनी बार कहूँ। देख बेटी, जब तक तू ठीक नहीं होती ना, हमें भी चैन नहीं आएगा। जा जाके प्रोग्राम देख के आ। जा ना, जा बेटा, जा प्रोग्राम देख के आ। आपके कई से कलाकारों को सुनने का यह सौभाग्य हमें मिस्टर विजय और मेघा विजय विश्वनाथ से प्राप्त हुआ है। अब मैं स्टार प्रोड्यूसर डॉक्टर डी रामा नायडू से प्रार्थना करूंगा कि वो मेघा विजय विश्वनाथ के हाथों इन कलाकारों का सम्मान करवाएं। डॉक्टर डी रामा नायडू। हेलो। ओ हेलो सर। मैडम प्लीज कम टू द बैक। प्लीज कम, प्लीज प्लीज। सबके साथ एक तस्वीर हो जाए। वन फोटोग्राफ। फोटो फोटोग्राफ फोटोग्राफ प्लीज। यस वन मोर सर। कम क्लोजर, वेरी क्लोजर। वन मोर प्लीज। वन मोर, वन मोर। थैंक यू मिस्टर देसाई, इट वाज अ ग्रेट शो। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ सर। आइए मैडम, बैठिए बैठिए प्लीज। थैंक यू वंस अगेन। जी थैंक यू। और कैसा लगा प्रोग्राम? तुम्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि आज तुमने अपने फेवरेट सिंगर्स का अपने हाथों से सम्मान किया, उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। मिस्टर विजय, आज आपने जो कुछ भी किया है ये सब आपका दिखावा था। गाड़ी रोकिए, मैं बस से चली जाऊंगी। मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा ना? क्या भरोसा, शादी करके एक साल बाद छोड़ देने वाला आदमी बीच रास्ते ही छोड़ दे, ये मौका मैं आपको नहीं दूंगी। कम ऑन मेघा, प्लीज स्टॉप द कार। आई सेड स्टॉप द कार। ओके। मेघा बिटिया के बिना छोटे मालिक बहुत दुखी रहते हैं। उन्होंने माफी भी मांग ली, पर बहुरानी बार बार अपमान कर देती हैं। साहब एक बार आप कह के देखिए ना, आप बुलाएंगे तो जरूर चली आएंगी। जानता हूं बद्री, जानता हूं कि मेरे बुलाने पर मेघा इस घर में आ जाएगी और आने के बाद वो मेरी बहू बनकर इस घर में रह लेगी, लेकिन मेरे बेटे की पत्नी बनकर कभी नहीं रहेगी। देखो जी, रिश्ता कराना हमारे हाथ में था, पर रिश्ता निभाना तो उन्हीं के हाथ में है ना। जब तक मेघा के दिल का काव नहीं भर जाता, इंतजार करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते बद्री। अरे मैंने यहाँ ब्राउन रंग का मैंने बदले हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ब्लू रंग बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि आप पर भी बहुत जचेगा। What nonsense? ये तो एकदम स्कूल यूनिफॉर्म की तरह है। मैं तो ब्राउन ही पहनूंगा। प्लीज पहन लीजिए ना, मैंने स्पेशल ऑर्डर देके बनवाए हैं। देखो मेघा, मेरा एक अपना टेस्ट है और वो मैं किसी के लिए नहीं बदल सकता। सॉरी। मैडम, एमडी साहब ने आपको बुलाया है।
महाराज स्टार्ट। जरूर मेरे कमरे की हर चीज नीली होनी चाहिए, यानी कि ब्लू। जी। ब्लू कुर्सियां। जी। ब्लू टेबल। जी। ब्लू सोफे। जी। मैं कमेंट ब्लू, प्लीज कमेंट। ब्लू दरवाजे। जी। ब्लू दीवारें। जी। ब्लू पर्दे। जी। ब्लू टेलीफोन। ब्लू पंखे। ब्लू पेन। ब्लू कंप्यूटर। समझ ब्लू... गया महाराज, समझ गया। मतलब आपकी पत्नी को ब्लू पसंद है, इसलिए आप ऑफिस में हर चीज ब्लू साथ हैं। राइट महाराज, आप ग्रेट पर्सनैलिटी हो। मतलब पत्नी की पसंद आपकी पसंद, पत्नी का सुख आपका सुख, पत्नी का दुख आपका दुख, पत्नी का ब्लू आपका ब्लू। ऐसा समझने वाले महापुरुष को मेरा माथे पे हाथ रखकर सलूट है जी। थैंक यू जर्मन, थैंक यू। थैंक यू की बात नहीं है जी, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आज से हमारी बातें ब्लू हो, काम ब्लू हो, विचार ब्लू हो। की बात नहीं है जी, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आज से हमारे देश का नाम बदल कर हिंदुस्तान से ब्लूस्तान रख देना चाहिए। जर्मन अब तुम जा सकते हो। जाने की बात नहीं है जी, मैं तो जाने से पहले एक और बात कहना चाहूंगा जी कि ये है ब्लू साय और ये है ब्लू बाय। एनी डिक्टेशन सर? यस मेघा जी, ये पीए का क्या मतलब होता है? पर्सनल असिस्टेंट, यानी एक आध पर्सनल बात की जा सकती है। मेरी ये ड्रेस आपको कैसी लगी? मेरी बीवी का ख्याल है कि ब्लू रंग मुझे बहुत सूट करता है, बहुत अच्छा लगता हूं मैं। गलत ख्याल था, जिस आदमी का दिल अच्छा ना हो उस पर कुछ अच्छा नहीं लगता। हेलो, मैं सुधाकर बोल रहा हूँ जीजा जी। अरे सुधाकर बोलो, कैसे हो? कुछ बात बनी? नहीं अभी तक तो नहीं। तुम्हारी बहन का दिल जीतने के लिए ना जाने और कितने दिन लग जाएंगे। जीजा जी, कल मेघा का जन्मदिन है। रियली? अरे थैंक्स फॉर टेलिंग मी, थैंक्स। अच्छा फिर मिलते हैं। ओके ओके, हाँ फिर मिलते हैं। ओ बहन के टको, ओ सालो जल्दी करो, को लगाओ मत इतनी देर, माल को मुझे पहुंचाना बीकानेर। रतिलाल जी, लगता है हमारा भांडा किसी ने फोड़ दिया है। पहलवान जी, काट देते हैं इसका पत्ता, पहुंचा देते हैं इसे कलकत्ता। परम पिता परमेश्वर, मार मार के पहुंचा दिया महाबलेश्वर। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि यो नो प्रचोदयात्। गुड मॉर्निंग मेघा। Hey, many many happy returns of the day. Hi, hi Megha. ये सुबह सुबह ऑफिस में क्या हो रहा है? जन्मदिन है Megha. किसका? अपने बॉस की बीवी का। और तुमको पता है उन्होंने ना सारे स्टाफ को एक एक महीने की सैलरी बोनस में दी है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये बोनस तो दिवाली और दशहरे पे मिलता है, बीवी के बर्थडे पे थोड़ी। उसी बात तो आपकी सोलह सच है, पर अपने विजय बाबू के लिए क्या है ना जी,
पत्नी का जन्मदिनी दिवाली है, जन्मदिनी दशहरा है, जन्मदिनी होली है, जन्मदिनी नया साल है, और इसलिए ना ये जन्मदिन का बोनस है और ये जन्मदिन की मिठाई का डिब्बा है। व्हाट अ ग्रैंड बर्थडे। लगता है हमारे बॉस अपने बीवी से बड़े प्यार करते हैं। ओजी सिर्फ प्यार, मेरी कैलकुलेशन तो कहती है कि विजय साहब का प्यार, विजय साहब का दुलार, विजय साहब की कार, विजय साहब का बार, विजय साहब के दिल का तार तार ना अपनी पत्नी के लिए मैन्युफैक्चर हुआ है बस। Many many happy returns. ये क्या बेवकूफों की तरह बिहेव कर रही हो? इतना घमंड अच्छा नहीं है मेघा। मैंने कहा ना कि भूल हो गई, गलती होगी मुझसे। लेकिन मैं गलती से भी आप पर दोबारा विश्वास नहीं करूंगी। मेघा, मेघा प्लीज, हाथ प्लीज मेघा, मेघा मेरी बात सुनो मेघा। मैंने कहा हाथ छोड़िए मेरा, समझ में नहीं आता क्या? मेघा मुझे मंदिर में लड़की को छेड़ता है। ए भाई साहब, चुप अपना काम करो, जाओ। बाबू, सूट पहन के गर्मी को खा रिया है? लगाओ साले के दो हाथ। हाथ क्या, जूते लगाने पड़ेंगे। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। ये हमारा आपसी मामला है, प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। लो भाई, ये तो इनका आपसी मामला है। आपसी मामला है तो पहले बताना था ना। चलो भाई लोग, चलो। लोग अपना आपसी मामला पता नहीं क्यों सड़क पर ले आते हैं। चलो, कमाल के लोग हैं यार। थैंक यू बेटा, तुमने ये तो कबूल किया कि हमारा आपसी मामला है। ये सब मैंने आपके लिए नहीं किया है, ये तो इसलिए कहना पड़ा कि अगर विश्वनाथ जी को पता चला कि उनके बेटे को मंदिर में जूतों से पीटा गया तो उस भले आदमी को शर्म से सर ना झुकाना पड़े। जिद की भी एक हद होती है मेघा, डोर इतनी भी नहीं खींचनी चाहिए कि वो टूट जाए। अरे कटी पतंग की तरह हो जाएगी तेरी जिंदगी। तू मेरी जिंदगी की फिक्र मत कर, मैं खुद कर लूंगी। अपनी भूल मान तो ली जीजा जी ने, अब के तुम्हारे पैरों पर गिर जाएं, थक के अमेरिका चले गए और वही किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली तो क्या सारी जिंदगी मैके में पड़ी रोती रहेगी? अरे ऐसे भी पति है जो मारते पीटते रहते हैं, एक बार मायके भेज देते हैं तो वापस बुलाने का नाम नहीं लेते। ये बेचारे तो हाथ जोड़ रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं कि वापस लौट आओ। हमारा तो कहीं आना जाना दुश्वार हो गया है, ना किसी शादी में जा सकते हैं ना किसी फंक्शन में। हर कोई यही पूछता है, क्यों री तेरी बहन ने पति को छोड़ दिया क्या? ऐसी शर्म आती है कि धरती फट जाए और हम उसमें समा जाए। बेटे, हम सब तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, तेरा दिल दुखाने के लिए नहीं। बेटियां मायके तब रहती हैं जब वो विधवा होती हैं या फिर कुंवारी। शादीशुदा लड़की दुनिया की नजरों में फांस की तरह छुपती है। अगर इतने ही नापसंद है जीजाजी तो शादी क्यों की, पहले क्यों ने मना कर दिया? मना ही किया था दीदी, लेकिन तुम्हें और माया को जिंदगी भर विधवाओं की तरह मायके में रोना ना पड़े इसलिए हाँ करनी पड़ी। तुम लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। वरना जो आदमी पहले से ही कह दे कि वो सिर्फ एक साल के लिए पत्नी बना के देखेगा, उसके साथ मुझ जैसी पगली के सिवाय और कौन शादी करेगा? क्यों रे, मुझे उग जाने से तुम मर्द बन गया? एक चपरासी की नौकरी तक नहीं ढूंढ सका खुद से और मुझे जिंदगी का चरण सिखा रहा है? और तुम क्या कह रही थी दीदी कि पति के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, लेकिन जब शादी के बाद तुम 3 साल के लिए मायके में रोती पड़ी रही और ऑपरेशन करवाने तक तुम ससुराल ना जा सकी, उस वक्त अपने बर्ताव से अपने पति को क्यों नहीं मना लिया? और तू शर्म से धरती में गड़ जाना चाहती है ना? लेकिन जब तेरा पति अपने लालची माँ बाप के पीछे छुप गया था तुझे कुंवारी माँ बनाने के बाद, उस वक्त तुझे शर्म नहीं आई? अरे मैं तो अपना घर समझ के वापस आई थी यही सोचकर कि पति ने 1 साल बाद निकाल दिया तो क्या हुआ, 22 साल जिनके साथ रही हूँ वो तो मेरे अपने मुझे सहारा देंगे। क्या पता था कि सगे भाई बहन ही सुइयां चुभोएंगे, और मेरी माँ वो भी उनका साथ देगी? अरे अगर कोख से जन्म देने वाली माँ ही अपने कान बंद कर ले तो मैं अपना दुखड़ा किसे सुनाऊंगी, किसे सुनाऊंगी अपनी पीड़ा? सुन माँ, अगर मेरा पति ये कहता कि वो बाहर ही रहेगा
तो उसके साथ में जीवन बिता लेती, लेकिन ना जाने कब मुझे ही बाहर निकाल दे। ऐसे पति के साथ में नहीं रह सकती। साल में एक बार दिखता वो पति मैं चला लेती, लेकिन एक साल रख के छोड़ देने वाला पति मैं नहीं सह सकती। जिंदगी भर मुझसे दूर रहे वो पति मैं सह लेती, लेकिन जो कहे कि उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, ऐसे पति के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ माँ? नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। ऐसी माँ हूं मैं उसका दुख समझ ही नहीं पाई। धीरज रख माँ, सब ठीक हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। जी मैं जर्मन बोल रहा हूँ। जर्मन, आप कौन? अरे मैं संजय दत्त बोल रहा हूँ, संजू बाबा। ओजी दत्त महाराज जी, ओजी, ओ नमस्ते जी, ओजी आपकी अगली पिक्चर कब आ रही है जी? अरे मुझे क्या मालूम है यार, तुम एक्टिंग में पढ़ लेना यार, मुझे क्यों हैरान करे ला बेकार का। चल मुझे शूटिंग पे जाना है, देर हो रही है। फोन रख। महाराज मेरे को लगता है ये सनी जी है ना, आवाज बदल कर मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, मैं भी देखता हूं आज। हेलो। ओ जी मैं फिल्म स्टार शाहरुख खान का सेक्रेटरी बोल रहा हूं। ओ जी हमने सुना है कि सनी गोयल जी फोटो बहुत अच्छी खींचते हैं, तो जी शाहरुख खान जी अपना फोटो सनी गोयल जी से खिंचवाना चाहते हैं। ओ सनी जी है क्या? हाँ मैं सनी बोल रहा हूँ। आप सनी गोयल बोल रहे हैं? हाँ मैं सनी गोयल बोल रहा हूँ। आप सनी फोटो स्टूडियो से बोल रहे हैं? हाँ हाँ मैं सनी फोटो स्टूडियो से बोल रहा हूँ। ओ जी महाराज, आज मैंने आपको पकड़ लिया। कौन बोल रहा है? महाराज मैं कोई सेक्ट्री फैक्ट्री नहीं, मैं तो जर्मन बोल रहा हूँ। जर्मन? जर्मन बाबा कैसे बाबा, कहाँ है बाबा? हाँ महाराज देखो, कान में कर्जा मांगते मांगते मैं ना थक गया हूँ, अब आप मेरा कर्जा चुपचाप फाइनली वापस कर दो बस। ऐसा करो, आप शाम को आ जाओ, मैं आपका कर्जा वापस कर दूंगा। ठीक है बाबा? ठीक है महाराज, वादा करने के लिए बगैर हाथ पकड़े थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि जर्मन आ जाए भाग रहा यहाँ से। महाराज शटर बंद करके कहाँ भाग रहे हो? करे कहाँ भाग रहा हूँ, अरे शटर की आयलिंग की ना मैंने, इसकी ट्रायल ले रहा था। ये ऊपर कैसा स्मूथ हो गया ना बाबा? महाराज ये तो एकदम स्मूथ हो गया है। बाबा क्या बात है, नए कपड़े पहन के आ गए बाबा? महाराज कर्जा वापस मिल रहा है तो तैयार तो होना ही था। अच्छा क्या बाबा, बाबा आना बाबा, बाबा जल्दी आना बाबा। महाराज इन बाबा दोनों को क्यों बुलाया है आपने? बाबा पैसे मैं ही दूंगा, इंटरेस्ट ये दोनों देंगे ना बाबा। अच्छा, अच्छा। पूरे पैसे मैं देने सकता ना बाबा। समझ गया महाराज, समझ बाबा। गया ये इंटरेस्ट देंगे जी बाबा। आओ मेरे को इंटरेस्ट दो दे बाबा। आ जाओ दोनों भाइयों। दोस्त्रे गोबाला गोबाला संता मरिया ओन दोस्त्रे गोबाला गोबाला संता बोले 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 कुत्ते की मौत मरेगा बे मौत मरेगा पैसे मिल गए बाबा? हाँ महाराज, इंटरेस्ट तो डबल डबल मिल गया है जी बाबा, लेकिन असल जो है ना अभी भी नहीं मिला है। दू बाबा? नहीं महाराज, असल की जरूरत नहीं है, यही काफी है। क्या सबक मिला है बाबा? महाराज ये सबक मिला मेरे को आज
कि अपने से ताकतवर इंसान को है ना कभी भी कर्जे पे पैसे नहीं देने चाहिए। सही बात है बाबा। हेलो हेलो जर्मन भाई, सलीम बोल लिया हूँ। हाँ महाराज सलीम, बोलो क्या बात है। अरे यार कल मेरी बीवी ने फिर मुझे पीटा और कहा कि जो कर्जा दे रखा है। महाराज घबराओ नहीं, आज मुझे मेरा कर्जा वापस मिल गया है। आप आ जाओ, मैं आपका कर्जा भी वापस कर दूंगा। ठीक है मैं भी निकल रहा हूँ। आ जाओ महाराज, जल्दी आ जाओ। अये 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 अरे जर्मन माफ करना यार, क्या हाल बना रखा है तूने। महाराज मेरी छोड़ो अपनी कहो। ये बता कि भाई मेरा माल रेडी है। महाराज आप ये बताओ कि आप पहले इंटरेस्ट खाओगे या असल खाओगे। भाई पहले तो इंटरेस्ट ही खाऊंगा। महाराज ये दोनों कौन है भाई। महाराज ये दोनों ही तो आपको इंटरेस्ट खिलाएंगे। अच्छा ठीक है, तू बैट में लेके आ रहा हूँ। ला भाई तुम दोनों मुझे दे दो मेरा इंटरेस्ट। मार दिया रे, अरे मार दिया रे, अरे हो जर्मन, अरे जर्मन मेरा जापान बना दिया, नक्शा कर दिया रे। महाराज इंटरेस्ट मिल गया। हाँ जी मिल गया। असल चाहिए। नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए। महाराज इस सबसे क्या सबक मिला आपको। इससे ये सबक मिला कि जब किसी को उधार दो तो पहले डॉक्यूमेंट साइन करवा लो, साथ में दो चार गवाह भी रखो। एक मिनट, सुनिए भाई साहब, एक मेगा, मेगा मैं ऑफिस जा रहा हूं, आओ तुम्हें छोड़ देता हूं। नो थैंक्स। देखो ऐसी हालत में तुम्हारा बस में सफर करना ठीक नहीं होगा। सॉरी सर, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अपनी माँ की तरह धोखा खाए। मैं उसे बड़े बाप के बेटे की तरह नहीं बल्कि मामूली माँ के बेटे की तरह जीना सिखाऊंगी, जिसका पहला सबक यहीं पे शुरू होता है। ऐसे मौकों पे उदास नहीं रहते, खाना वक्त पर खा लेना। हे मेघा आजे जल्दी, देख विजय बाबू ने सारे स्टाफ के लिए एक नई बस शुरू की है, आराम से जाएंगे। कम ऑन कम ऑन। आइए मैडम आइए, आज के बाद ना तो आप डीटीसी बस की लाइन में खड़ी होंगी, ना उसमें बैठेंगी और ना ही उसमें चढ़ेंगी। आप चढ़ेंगी तो इसी बस में चढ़ेंगी। नहीं ये छोटे मालिक ने कहा है। कम मेघा कम। और आजकल देखो ना डीटीसी बस में कोई तो आगे से धक्का देता है, कोई पीछे से धक्का देता है, और जरा सा मुंह खोल दो तो सारे मारने को आते हैं। विजय बाबू ने बढ़िया काम करवा दिया यार, ये बस शुरू करवा के डीटीसी की। उसी मैडम जी, आप ऊपर मत जाओ, आपकी सीट है ना ऊपर से बदल कर नीचे कर दी गई है। क्यों? क्योंकि आपको नौवा महीना चल रहा है ना, इसलिए विजय बाबू ने कहा है कि सीढ़ियां चढ़ना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसी आपकी दर जा रही हो, आप तो खटाखट चढ़ जाओ ऊपर। क्यों? क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होंगी ना तब आपकी सीट भी ऊपर से नीचे कर दी जाएगी। सीढ़ियां ना चढ़ने के लिए प्रेग्नेंट होना पड़ेगा जी। बात तो मैंने सच कही थी पर साटा क्यों मार गई, शायद दिल कर रहा होगा साटा मारने का। आंटी जी मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाए तो ये चाबी उन्हें दे दीजिएगा, मुझे एक सहेली की गोद भराई की रसम में जाना है। ठीक है दे दूंगी। माँ तुमने मेरी गोद भराई तो की ही नहीं।
हमारे अलग रहने से क्या वो मेरे पति नहीं रहे? मैं उनकी पत्नी नहीं रही? लेकिन बेटा गोद भरे तो सातवें महीने में। सातवें महीने में ना सही, नौवें महीने में तो हो सकती है ना। मैं कल ही सारे मोहल्ले वाले को बुला लेती हूँ। बस क्या माँ, सिर्फ मोहल्ले वालों को बुलाओगी? अरे मैं विश्वनाथ जी की बहू हूँ, कुछ अच्छा वच्चा सा फंक्शन होना चाहिए। क्यों? जरूर। अच्छा अपने ऑफिस वालों को मैं कह दूंगी, तुम मेरे ससुर जी को जाके न्योता दे के आओ। और हाँ विजय बाबू को जरूर बुलाना। ओके। नमस्ते। 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 कब देगा? अरे मेघा तेरे पति कहाँ है, मिलवाएगी नहीं क्या? लो पूछा पति देव कहाँ है तो ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे कैलेंडर में लक्ष्मी जी मुस्कुराती है। तो अखंड सौभाग्यवती भव, चांद सा बेटा हो पुत्र जी के। अदे अदे जिंदर। नमस्ते। नमस्ते। Excuse me, sir. पर्सनल सेक्रेटरी की गोद भराई में लाखों रुपए का सेट देंगे तो लोग ये सोचेंगे कि जरूर हमारे बीच कोई रिश्ता है। नहीं है क्या? है तो अपने मुंह से बता दीजिए क्या रिश्ता है। शर्म आ रही है तो मैं बता दूं, फ्रेंड्स हम रिश्ते में पति पत्नी हैं। थैंक यू। हमारे एमडी साहब ने अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लेकर मेरे गले में मंगलसूत्र डाला है। सुनिए तो, अब इन लोगों को ये खटक रहा होगा कि आपकी पत्नी होके भी मैं आपके घर में नहीं अपने माँ के घर में क्यों रह रही हूँ। तो कम से कम ये तो बता दीजिए। लीजिए, हमारे एमडी साहब फिर शर्मा गए। चलो मैं ही बता देती हूँ, जिस तरह उन्होंने घाटे में चलती हुई हमारी कंपनी खरीदी थी उसी तरह उन्होंने एक मुसीबत में फंसी हुई लड़की भी खरीदी थी, यानी मैं। सॉरी, असल बात तो मैं बताना भूल ही गई। कुछ लोग आर्य समाजी तरीके से शादी करते हैं, कुछ रजिस्टर्ड मैरिज करते हैं। हमारे एमडी साहब ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, यानी कि एक साल का अग्रीमेंट। बोले कि अगर इस एक साल में मेरे लिए प्यार जाग उठा तो जिंदगी भर के लिए रख लेंगे, वरना छोड़ देंगे। प्यार नहीं जागा, छोड़ दिया। लेकिन क्योंकि कभी कभार उस एक साल में प्यार जाग उठा था तो मेरे पेट में ये उसी का नतीजा है। हैरत की बात तो ये है कि आजकल फिर से इनको मुझ पर प्यार जाग उठा है, इसलिए घाटे में चलती हुई कंपनी खरीद ली, मेरे जन्मदिन पर स्टाफ को बोनस दे दिया, जब मुझे महीने चढ़ गए तो लग्जरी बस का इंतजाम कर दिया, और आज हीरो का हार दे रहे हैं। पुत्र उसने बोनस दिया या बस चलाई, जो भी किया तुम्हारी खातिर किया है, वो बहुत बदल गया है, अब वो बहुत प्यार करता है तुमसे पुत्र। लेकिन मुझ में अब आपके बेटे के लिए कोई प्यार नहीं बचा है, और आप लोगों को बुलाने का मकसद ये नहीं जताना था कि मैं फलाना विश्वनाथ जी के सपुत्र मिस्टर विजय की पत्नी हूँ। तो फिर ये तमाशा क्यों किया, सबके सामने इन लोगों को बदनाम करने के लिए? नहीं, अपने पेट में पलने वाले इस बच्चे के लिए। मेरे गले में मंगलसूत्र और पांव में बिछिया देखकर मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि मेरा पति कौन है, लेकिन कल को मेरे बेटे का जरूर पूछा जा सकता है कि तुम्हारा बाप कौन है। तो लोग असलियत जान ले, इसलिए आप सबको बुला गया था। आप आए, बहुत मेहरबानी की, अब आप जा सकते हैं। मेघा बेटे, मेरे खानदान का चिराग, मेरा पोता तेरी कोख में पल रहा है, अब छोड़िए सब झगड़ा और कार चल। सॉरी सर, अग्रीमेंट करते वक्त ना आपके बेटे ने पूछा और ना मैंने बताया कि अगर इस चक्कर में कोई बच्चा बच्चा पैदा हुआ तो किसका कहलाएगा। ये तो हमारे वक्ती प्यार की रसीद है, इनके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर बलि चढ़ गई मेरी जिंदगी की जीरोक्स कॉपी है, इसलिए ये बच्चा मेरा है और मेरा ही रहेगा। वाह, शाबाश।
गोद भराई के नाम पे लोगों को जमा करके सबको ठोक बजाकर बता दिया कि तुम कितने शरीफ हो और मैं कितना गया गुजरा हूं। माफ करना, तुम भी कोई आसमान से उतरी हुई परी नहीं हो जिसके साथ मैं सोने के लिए तरस रहा था, पागल हो गया था। पहले ही एग्रीमेंट में साफ साफ बता दिया था और तुमने भी मुझे कोई पसंद करके प्रेम की खातिर इसे कबूल नहीं किया था। तुमने अपना स्वार्थ साधने के लिए मुझसे शादी की और अपने घर की सारी मुश्किलें हल कर ली, तो अब किस बात पर अकड़ रही हो? मैंने कहा कि मुझसे भूल हुई, कहा कि मैं औरत की जगह समझ गया। मैंने एग्रीमेंट फाड़ कर फेंक दिया तो तुमने जवाब में थप्पड़ मार दिया, कहा कि घर पर आयो तो चाय पी कर जाइएगा। अपने बच्चे को वक्ती प्यार की रसीद बता रही हो, अपनी बर्बाद जिंदगी को जीरोक्स कॉपी कह रही हो, क्या मतलब है इस डायलॉग का? मैंने कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी, रेप किया था तुम्हारा? अरे तुम जैसी औरत को एक एक दिन के एक एक घंटे के लिए खरीद सकता हूं, इतनी हैसियत है मेरी और तुम भी अच्छी तरह जानती हो। लेकिन मैं अब भी तुम्ही को चाहता हूं, जानती हो क्यों? क्योंकि जितने वक्त तुम मेरे साथ थी तुम्हें सिर्फ मेरा ख्याल था, लेकिन जब से तुम गई हो मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। इसलिए अगर कोई सुधरना चाहे तो उसे सहारा देना चाहिए, ना कि उसे और सताने की जिद ठा लेनी चाहिए। अगर सचमुच में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहूं ना तो यूं कर सकता हूं। मैं अब भी दूसरी शादी कर लूं और कह दूं कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है तो काफी है, पर वो मेरा चरित्र नहीं है। मैं अभी तुमसे सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं मेघा। तुमने मुझे ठुकराया, अपमान किया, नीचा दिखाया। कोई दूसरा होता ना तो बद्दुआ देता, बद्दुआ। लेकिन मैं अब भी तुम्हें सच्चे दिल से दुआ देता हूं, खुश रहो, आबाद रहो, गॉड ब्लेस यू। बस कीजिए जीजा जी, बस कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। अरे माना कि मैंने तुम्हारी बहन से बिना प्यार के शादी की, लेकिन उसे छोड़ने के बाद बहुत प्यार किया। कितना तड़पा हूं, कितना रोया हूं, बार बार उससे माफी मांगी, फिर भी उसने मुझे ठुकरा दिया। और देखा आज किस तरह बर्ताव किया उसने मेरे साथ। जीजा जी प्लीज छोड़ दो मुझे, सुधाकर छोड़ दो। महाराज आप बस भी करो, आपको मेरी दोस्ती की कसम। दोस्त क्या, भाई क्या और पिता क्या, कोई मेघा की जगह तो नहीं ले सकता ना जर्मन। सच अब मैं समझ गया हूं, औरत का दिल एक बार टूटे तो फिर कभी नहीं जुड़ सकता। ऐसा मत बोलिए छोटे मालिक, राम और सीता की तरह आप दोनों फिर मिलेंगे। ये राम कथा भी राम सीता के मिलन के बिना ही खत्म हो जाएगी सलीम। नहीं जीजा जी, हम आप दोनों को मिलाकर ही दम लेंगे। हाँ, बेगाजी के दिल में आप रहते हो, हम ये साबित करके दिखाएंगे। चलो बराज चलो। बेगाजी, आंटी जी, बेगाजी, पीछे बाबू इधर आए थे क्या? नहीं तो उसी अगर आए ना तो उनसे कहना कि घर से बाहर ना निकले प्लीज। क्यों, क्या बात है? बात ये हुई है कि खराती लाल और यशवंत ना वो जेल से भाग के उनका मर्डर करने के चक्कर में इस इलाके के चक्कर काट रहे हैं। उसी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो कंफ्यूज सा हुआ जा रहा हूँ। माजी 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 माजी, वो यशवंत खेराती है ना, वो लंबा छुरा लेकर छोड़े वाले को ढूंढते फिर रहे। छोड़े वाले कहाँ पे? यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पे नहीं है फिर कहाँ पे? मैं कहाँ ढूंढू जाके? मैं ढूंढता हूँ, अभी ढूंढता हूँ। मेघा 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 मेघा, तुमसे तो कहना ही बेकार है। माँ माँ, यशवंत और खैराती चाकू लेकर जीजा जी को ढूंढ रहे हैं। मैं तो किसी तरह बचाया माँ, लेकिन जीजा जी क्या हुआ? जीजा जी की जान खतरे में है माँ, जीजा जी बच नहीं पाएंगे। अब क्या होगा माँ? भैया जल्दी कीजिए, भैया जल्दी, भैया जल्दी।
बहन जी, ट्रैफिक जाम है, एक्सीडेंट हुआ लगता है। ये लीजिए, ये लीजिए। मुझे जाने दीजिए, प्लीज। कहाँ जा रही हो तुम? विजय के फार्म हाउस पे, वो तुम्हारे मामा और यशवंत से मारने निकले हैं। अरे रुको तो सही, उन्हें तो मैं अभी भी जेल में मिल के आ रही हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। ओजी विजय महाराज, आम सिर्फ मस्जिद में मैसेज ये है कि हमारे ड्रामे का असर जबरदस्त हो गया जी मेघा जी पे, और वो आंख में आंसू लिए आप ही की तरफ आ रही है जी। ओजी आपको ये दिखाना है जी कि यशवंत और खैराती ने आपको छुरा मार कर तकरीबन तकरीबन जान से मार दिया है जी। खून की बोतल टेबल पे पड़ी है, आप इफेक्ट के लिए अपने ऊपर डाल लेना जी। और जैसे ही मेघा जी कहे कि वो आपके बगैर जी नहीं सकती है, तो आप उनको सच्चाई साफ साफ बता देना जी। रखता हूँ जी, बेस्ट ऑफ लक है जी। रानी की सर्विस तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन तेरी मैं जेल भेजा। पगड़ी उतारी अनीता का दिल तोड़ा, अब तू थोड़ी देर में पहुंच जाएगा अल्मोड़ा। ओ पहलवान, कोई आ रहा है। ये ले, मर गया चल। हो तो खैराती लाल और यशवंत ने तुम्हें आखिर मार ही दिया, लेकिन तुम अब तक इसलिए नहीं मरे क्योंकि मेरे इंतजार में आखिरी सांसें गिन रहे थे। छी, बंद करो ये घटिया नाटक। 9 महीनाएं जानते हुए भी तुमने मुझे यहाँ तक दौड़ाया, जिस तरह मेरे पीछे पड़े रहे। एक बार तो मुझे वहम हुआ था कि कहीं तुम मुझसे सचमुच तो प्यार नहीं करते, लेकिन आज तुमने मुझे यकीन दिला दिया कि हाँ वो मेरा वहम ही था। और कितनी बार धोखा दोगे मुझे? हाँ, कितनी बड़ी बड़ी बातें करके आए थे गोद भराई में, मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था, मेरा सोया हुआ प्यार जाग उठा था। लेकिन आज इस वक्त वो प्यार हमेशा हमेशा के लिए मर गया। और आइंदा अगर मेरे पीछे आने की कोशिश की ना, तो याद रखना इस पेट में पलने वाले बच्चे को भी मार दूंगी, आप भी मर जाऊंगी। Oh!
मेघा देखो बिल्कुल तुझ पे गया है, देखो ना। नहीं माँ, पहले मैं उनसे मिलूंगी। कहाँ है वो, कैसे है वो, मुझे उनके पास ले चलो माँ, प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। तुम्हारी मेघा तुम्हारे पास आई है। वादा करो चुप जाओ आंखों में बस जाओ सांसों में। I'm sorry. धड़कन के I'm so sorry. एक पल कभी जो दूर हुए। I love you. दर्द हजारों I love you very much. तुम दोनों यहाँ लेटोगे तो मैं कहाँ लेटू, मेरा मतलब मेरा पोता कहाँ लेटेगा। भाई क्यूट है, क्यूट है। आते पुत्र, आते आते आ पुत्र तू भी दे, और मेरे पोते तू भी आते दे 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 दे। हम आपके दिल में रहते हैं। हाय, आई एम विजय, विजय चोपड़ा। मुझे एक बीवी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक साल। यहाँ डॉलर फेंकने से कोई भी औरत आपके साथ सो जाती है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पैसों से बात नहीं बनती। लुक मेगा, आई फील पति पत्नी को दोस्तों की तरह। कहाँ थी अब तक, किसके साथ घूम रही थी? उस परी लड़की के साथ अन्याय मत कर, ओए उसकी हाय लगेगी तेरे को। जो कभी भी पत्नी से धोखा करे वो नजर
खुश रहे। मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूँ मिस्टर विजय, मेरा भी अपना कोई वजूद है, आत्मसम्मान है। फीलिंग सिर्फ आप ही को नहीं, मुझे भी होती है। अब मैं 50 के ऊपर हो गया हूँ और जो तेरे रंग ढंग है ना, मुझे नहीं लगता मैं अपने पोतों के साथ खेल सकूंगा। पापा मैं पापा बन गया, पापा मैं पापा बन गया, पापा मैं पापा बन गया, पापा मैं पापा बन गया। मैंने कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी, रेप किया था तुम्हारा, लेकिन मुझ में अब आपके बेटे के लिए कोई प्यार नहीं बचा है। मैं अभी तुमसे, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ मेघा।